हरे कृष्णा मैं फिर आ गई हूँ एक साल बाद मैं हूँ नमिता पुरोहित और आपका बहुत स्वागत करती हूँ लाइव कोचिंग विद नमिता शो में आज है आठ बज के मिनट हुए हैं और आज तारीख है चौबीस जनवरी और आप सबका बहुत स्वागत है इस शो में और आज हम चर्चा करने वाले हैं ये प्यार है या एडिक्शन ट्रॉमा बॉन्ड और अ, थोड़ी सी देर हो गई हमें सो so, सॉरी गेमिंग पाथ जी आप कह रहे हैं 8 आ, सही बात है हमें सही सही समय पे आना चाहिए कोशिश करेंगे आगे से और आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में कि ये ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है रविकॉल का फेविकॉल का बॉन्ड तो सुना है आ, प्यार का बॉन्ड सुना है रिनो का बंधन भी नमिता पुरोहित ने बहुत बार बताया है कर्म, कार्मिक रिलेशनशिप से कैसे निकले में तो ये ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है ट्रॉमा और बॉन्ड ये क्या होता है कि क्या दो लोग जो ट्रॉमा में है वो एक दूसरे में बॉन्ड करते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं बिकॉज मिजरी नीड्स कंपनी या आ, नहीं वो ट्रॉमा बॉन्ड नहीं होता है ट्रॉमा बॉन्ड ये होता है कि जब आप किसी के साथ कोई रिश्ते में हैं पेरेंट्स का बच्चों के साथ अपने स्पाउस के साथ फ्रेंड्स के साथ टीचर के साथ स्पिरिचुअल जो इतने अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स नहीं है उनके साथ जो अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स है उनके साथ ट्रामा बॉन्ड नहीं होता है तो जो लोग वैसे होते हैं तो उनके साथ जब आपका ये रिश्ता बनता है तो वो जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं नार्सिसिस्टिक होते हैं साइकोपैथ भी हो सकते हैं बहुत टाइप के पाथ होते हैं सोशियोपैथ होते हैं तो उनके साथ में एक एक बॉन्ड अजीब सा बन जाता है रियली एक अजीब सा बॉन्ड बन जाता है एक अटूट रिश्ता बन जाता है जो लोग उसे प्यार समझने लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली प्यार नहीं होता है वो एक एडिक्शन हो जाता है तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये ट्रॉमा बॉन्ड क्या चीज है इसमें हम कैसे फंसते हैं और इसमें फंसने से क्या होता है और इससे निकलने का रास्ता क्या है और पॉपुलर कल्चर में इसके बारे में क्या कहा गया है तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक साल बाद इस चैनल पे आई अफकोर्स यूट्यूब पे मैं मेरे चैनल पे तो एक्टिव हूँ लेकिन इस चैनल पे एक साल बाद आई हूँ तो जो भी यहाँ पर कमेंट्स जिनके आए हैं नीतू धार जी फ्रॉम बांग्लादेश शिवानी जी तानवी जी सुनीता जैन जी गेमिंग पाथ जी नरेश बली जी हरनीशा सोमा जी रूपाली राणा लीडर डिवोटी जी काजल गुप्ता जी आप सबको मेरा नमन मेरा प्रणाम और इस शो में जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट uh, टॉपिक है तो uh, और अब मैं आया करूंगी इस चैनल पे जितना आपका प्रेम है उसने मुझे खींच लिया है यहाँ पर आपकी पुकार ने आपके प्रेम ने आप लोग अभी भी हरे कृष्णा टीवी को कॉल आते हैं कि नमिता पुरोहित कहाँ है गायब हो गई है क्यों नहीं आ रही है शो पे मुझे ये प्रश्न पूछना है वो प्रश्न पूछना है तो अब मैं आया करूंगी अभी हम ऑल्टरनेट वीक्स से शुरू करेंगे क्योंकि मेरे भी बहुत बहुतेरे काम रहते हैं मेरा खुद का पूरा प्रोफेशन है पूरा बिजनेस है जिसे मुझे मैनेज करना पड़ता है तो उस बीच में समय निकाल के आई विल कम ऑल्टरनेट वीक्स ऑन वेंसडे और अगर आपका प्रेम बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया ज्यादा ही कुछ खींच लिया तो फिर शायद हम रेगुलरली आने की कोशिश भी करेंगे तो आप सबका बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए आने के लिए यस आर जी रघु रफ्तार जी कह रहे हैं कैसे आप कैसी लग रही हो रघु रफ्तार जी ठीक लग रही हो एक साल बाद आ, नमस्ते गीतांजलि जी रिंकू जी मिहिर राणा जी विजय लक्ष्मी जी गीतांजलि बिस्वाल जी and so many more people surendra Kumar ji, seema Fazdar ji, Kajal Gupta and so many more people thank you very much for your warm welcome aur ab hum shuru karte hain to Tech Team ji आपसे निवेदन है कि जो हम आप हमारी जो slides हैं उनको आप screen पर share करें ताकि हम आज का presentation start कर सकें so here we go trauma bond ये प्यार है या addiction और मैं हूं नमिता पुरोहित आई एम लाइफ एंड लीडरशिप कोच आई एम फाउंडर एंड ओनर ऑफ ईज ग्लोबल वी रन अ लाइफ कोचिंग कंपनी लीडरशिप कोचिंग कंपनी और हम कोच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं और कोचिंग के बिजनेस को भी आगे कैसे वो भी हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को सो हियर वी गो आज का एजेंडा है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रामा uh, बॉन्ड क्या है एग्जाम्पल्स फ्रॉम पॉपुलर कल्चर ऑल्सो हम लोग दो मूवीज का डिस्कशन करेंगे आज एनिमल एंड कबीर सिंह बोथ बेद बाय संदीप वंगा जी एंड हु गेट्स ट्रैप्टन हिट इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है स्क्रिप्चुरल एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे थोड़े आ, शास्त्रों से भागवत से और महाभारत से और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी लेंगे कि कैसे हमें हम बच सकते हैं ये ट्रामा बॉन्ड से सो so, आगे हम जा रहे हैं थोड़ी तेज रफ्तार से सो so, ये ट्रामा बॉन्ड होता क्या है एनिमल मूवी बहुत हिट हुई है इंडिया में बाहर भी बहुत भयंकर हिट हुई है और अभी ये 26 जनवरी से नेटफ्लिक्स पे आने वाली है ओ पे शायद मैं ही इसका ऐड कर रही हूँ अभी आ, लेकिन इसमें एक कुछ अलग सी ही मूवी बनाई गई थी जिसमें आ, काफी सारे रिलेशनशिप्स काफी सारे इमोशंस को डिस्कस किया गया था आ, कि कैसे लोगों कैसे लोग रिश्तों में रहते हैं कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं कैसे आ, आ, क्या क्या होता है एक फैमिली में एक रिलेशनशिप्स में और क्या क्या अच्छा होता है क्या क्या इतना अच्छा नहीं होता है कितनी अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है लाइफ में एंड सो मेनी थिंग्स कई लोगों ने इस मूवी को बहुत चाह बहुत चाहा कि इसको मैसेव हिट बना दिया और कई लोगों ने कहा एकदम बकवास है क्या फालतू पिक्चर बनाई है इसमें द वुमेन ऑफ इन द मूवी दे डोंट हैव एनी प्राइड दे डोंट हैव एनी एजेंसी दे डोंट हैव एनी स्टैंडिंग एंड सो मेनी डोट है ये वायलेंस को क्यों दिखाया जा रहा है ये गंदे कैरेक्टर को हीरो क्यों दिखाया जा रहा है सो मेनी थिंग्स राइट बट हम इस मूवी का एक एग्जाम्पल लेंगे ये बात uh, मूवी क्यों बनाई गई नहीं बनानी चाहिए वो सब के बारे में नहीं है इस अच्छे से कुछ चीजें दिखाई गई हैं उस मूवी में पॉपुलर कल्चर में जो होता है कुछ रिश्तों में तो हम वो एग्जाम्पल लेके अभी आगे बढ़ेंगे तो ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है ये शुरू में क्या होता है और ये कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है हम ये मेल फीमेल रिलेशनशिप देख रहे हैं आ, ये कोई भी रिश्ते में हो सकता है एनी रिलेशनशिप और ट्रामा बॉन्ड इज पॉसिबल तो ये बात ध्यान रखें हम सिर्फ एक एग्जाम्पल में मेल और फीमेल ले रहे हैं जिसमें मेल है वो अब्यूजर है जो फीमेल है वो विक्टिम है लेकिन उल्टा भी होता है जिसमें फीमेल अब्यूजर हो सकती है और मेल विक्टिम हो सकता है सो तो बोथ आर पॉसिबल बट हम सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं इस मूवी के साथ में फ्यू अदर एग्जाम्पल्स तो शुरुआत होती है जो ये टॉक्सिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो आपको पकड़ में ले लें और वो जब आपको पकड़ में लेना चाहते हैं मिलना चा, पकड़ना चाहते हैं कब्जे में करना चाहते हैं ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके और आप उनके काम आ जाए आप उनको लाइफ सवार ले और आप उनकी सारी कई बार वो आपके कंधों पे ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो पहले बहुत सारी लव बॉम्बिंग करते हैं बहुत सारा प्रेम दिखाते हैं बहुत सारा अटेंशन दिखाते हैं बहुत सारा कुछ करते हैं धीरे धीरे आप उनपे ट्रस्ट करने लगते हो आपको भी अच्छा लगता है अरे वाह

सेंटीपीड जो होता है जिसके बहुत सारे पाँव होते हैं एक, एक कीड़ा रहता है उसके बहुत सारे पाँव रहते हैं ये सचिनदन महाराज ने नेक्टेरियन ओशन ऑफ तो नेम आ, आ, बुक में उन्होंने इस इस, इस एग्जाम्पल का वर्णन दिया है तो वो बहुत अच्छा नृत्य कर रहा होता है बहुत सुंदर नृत्य कर रहा होता है वगैरह वगैरह राइट और बाद में वो बहुत खुश होता है सब जंगल के लोग उसको बहुत तारीफ करते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं और बाद में एक कोई थोड़ा जेलस होता है

मेरे हिसाब से वो उल्टा होना चाहिए एक सौ पंद्रहवे को तुम्हें ऊपर करना चाहिए और एक सौ दोवे को नीचे करना चाहिए तो वो और सुंदर हो जाएगा और और भी ऐसे कुछ कुछ बीट्स पे ना थोड़ा थोड़ा आपका ऐसे है ये बड़ा Seriously, feedback ले लेता है और आ, सोच बोलता है कि अरे ये मेरे भले के लिए ही बोला होगा ये तो ट्रस्टवर्दी बंदा है चलो मैं इसकी बात मानता हूँ और जब वो डांस करने लगता है कॉम्पिटिशन में तब वो तब वो बराबर डांस नहीं कर पाता बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया है वो अपनी जो लहर में करता है अपने आनंद में जो करता है वो वो नहीं कर पाता है और वो डाउन हो जाता है और वो हार जाता है तो ऐसे ही रिश्तों में धीरे 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 पहले ट्रस्ट डेवलप होता है धीरे धीरे क्रिटिसिज्म होता है और आपको डी वैल्यू किया जाता है ये क्यों किया जाता है लिया तो उन्होंने आपको बिकॉज यू आर एन एसेट फॉर देम उनको पता है आपसे फायदा होगा लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं ताकि आप कहीं और ना जाए आप वही रहें जितना आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा उतना आप उनके नॉनसेंस को टॉलोरेट करोगे उतना आप आगे दूसरे दिशाओं में आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करोगे और उनके सेवक बन के रहोगे तो ये एक स्टेज होता है बहुत सारा मैन्युपुलेशन होता है बहुत सारी गैस लाइटिंग होती है जैसे हम इस मूवी में एग्जाम्पल देखते हैं कि आ, ये विवाहित होते हैं रश्मिका मंदना और आ, रणबीर कपूर दे आर रन विजय एंड गीतांजलि इन द मूवी तब ये तब ये जब ये मूवी में ऐसे होते हैं और ये विवाहित होते हैं तो रणबीर कपूर का एक किसी और लेडी के साथ में वो एक अफेयर चलाता है और करवा चौथ के दिन बहुत देर रात को जब वो आता है और ये जो वाइफ है वो अपना फास्ट ब्रेक करने की वो सो जाती है और वेट करती है कि अच्छा मेरा पति घर आएगा तब मैं अपना फास्ट ब्रेक करूंगी जब वो फास्ट ब्रेक करने का टाइम आता है तब वो उसको रिवील करता है कि आई एक्चुअली मतलब मेरा एक शारीरिक संबंध है दूसरी स्त्री के साथ तो वो क्या है उसको उसी टाइम डी वैल्यू कर रहा है करवा चौथ क्या होता है पति पत्नी का त्यौहार होता है पत्नी अपने पति के लिए एक यू नो फास्ट रखती है उसकी उसका नाम उस ताकि उसकी हेल्थ सही रहे वो आगे बढ़े उसके अच्छे के लिए वो व्रत रखती है इतने प्रेम से रखती है और वो उसको वहीं का वहीं डी वैल्यू कर रहा होता है जो हमने ग्रे में पॉइंट डाला है नेक्स्ट इज वो उसको अः uh, मैन्युपुलेट कर रहा है क्योंकि जब वो प्रोटेस्ट करती है कि मैं तुमसे थक गई हूँ क्योंकि वो बहुत परेशान करता है उसको तो वो थी जब मैं थक गई हूँ और वो बहुत सारी बातें बोलती है तब वो बोलता है कि तुम ओवर रियाड कर रही हो यू नो आई रियली लाइक यू बट वो क्या मुझे करना पड़ा कुछ उससे न्यूज निकालने के लिए वो ऐसे चलाना पड़ा दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग की उसकी जो फीलिंग्स है उसको पूरी तरह रद्द कर देना है ना और फिर क्या होता है जो विक्टिम होता है कुछ समय तक फाइट मारते रहते हैं कोशिश करते रहता है टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ हिमसेल्फ बोलने के लिए करने के लिए वगैरह लेकिन क्या होता है धीरे 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 क्योंकि कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो रहा है कंटिन्यूसली डीवैल्यू हो रही हो कंटिन्यूसली मैनिपुलेशन गैसलाइटिंग हो रही है और आप थक जाते हो कि रेजिग्नेशन और सबमिशन हो जाता है उस रिश्ते में खुद को खो देते हैं पूरी तरह से लॉस ऑफ सेल्फ हो जाता है एंड एडिक्शन टू द साइकिल भी होता है आप सोचोगे अरे ऐसे कैसे एडिक्शन हो जाता है ये वाली साइकिल के साथ में कि लव बॉम्बिंग होगी ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस सी बढ़ेगी फिर डिवेल्यूएशन होगा क्रिटिसिज्म होगा फिर उसके बाद में मैन्युपलेशन गैसलाइटिंग होगा फिर ये थक जाएंगे और फिर बाद में एडिक्शन हो जाएगा ऐसे कैसे एडिक्शन कैसे, कैसे हो सकता है इतनी खराब चीज के साथ में इतने गंदे रिश्ते में एडिक्शन कैसे हो सकता है जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह खो चुके हो हाउ कैन यू गेट एडिक्टेड तो उसका आंसर है नेक्स्ट स्लाइड में जो कि हम आपके सामने ला रहे हैं तो ये ये हो रहा है जो एडिक्शन बिल्डिंग है और नीचे जो जो हार्ट्स मैंने डाले हैं वो आ, कोई कारण से है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है इससे ना ब्रेन में भी चेंजेस होते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड क्योंकि कि मैंने जो टॉपिक कहा है ये जो ट्रामा बॉन्ड है ये प्यार है या एडिक्शन है ये समझना हमारे लिए जरूरी है है ना तो हम ये आपको भी समझा रहे हैं कि जो ऐसा रिश्ता होता है टॉक्सिक लोगों के साथ में ये कैसे एक एडिक्शन बन जाता है ना झगड़ा होना कोई भी रिश्ते में और बाद में एक दूसरे को मनाना वो एक नॉर्मल बात है जो हर रिश्ते में होती है यहाँ पे भी ये होता है लेकिन ये बहुत मैन्युपुलेटिव वे में होता है जान के किया जाता है जान के किया जाता है टू कीप द पर्सन इन कंट्रोल तो आप अगर सोचेंगे कि अच्छा मेरे रिश्ते में भी ये हो रहा है एम इन ट्रॉमा बॉन्ड वो सामने वाला टॉक्सिक है नार्सिसिस्टिक है आजकल इतने वीडियोस बन गए हैं ट्रॉमा पे नार्सिसिज्म पे इस पे उस पे तो सबको लगता है कि सामने वाला नार्सिसिस्ट ही है नहीं सामने वाला नार्सिसिस्ट नहीं है वो कभी कभी अगर ऐसा होता है तो वो आप भी फिर नार्सिसिस्ट है आपसे भी ऐसा होता है आ, आ, लोगों को हम भी मैनिपुलेट करते हैं हम भी ये करते हैं वो करते हैं बट ये हमारा पैटर्न नहीं है हम इन द मोमेंट अपने आप को खोखे में भी एक आध बार कभी कर दिया होगा कोई रिश्ते में बट हम तुरंत रियलाइज करते हैं गलती मानते हैं दूसरे को वापस पूरा रिस्पेक्ट देते हैं और वापस वो बिहेवियर रिपीट नहीं करते हैं is, yes, जो टॉक्सिक होते हैं वो ये एक साइकिल रिपीट करते हैं क्यों ताकि आप एक एडिक्ट बन जाओ उनके और आप हमेशा रहो वहां पे एंड यू लॉस्ट योअर सेल्फ एंड यू बिकम अ वीक पर्सन है ना तो अभी ये जो देखेंगे कि ये जो होता है कि पहले एक टेंशन बिल्डिंग फेज होती है जो अब्यूजर होता है वो कोई तो भी चीज में आपको क्रिटिसाइज करता है या आपकी कोई गलती नहीं भी होती है तो भी वो आपकी गलती निकालता है और कंट्रोल करता है तो जो विक्ट होता है वो डर जाता है क्योंकि उससे वो टेंशन बार बार वो होती है ना उससे थोड़ा प्रॉब्लम मतलब वो थकने लगा है तो वो फिर क्या होता है कि वो पूरी कोशिश करता है कि अपनी गलतियों को कैसे सुधार ले और उसको कैसे शांत कर दे बिकॉज वो टेंशन वाला जो वातावरण है वो असहनीय होता है विक्टिम के लिए फिर उसके बाद में क्या होता है ये टेंशन बढ़ती ही जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है विक्टिम कितना भी कर ले लेज वो टेंशन जाती नहीं है क्योंकि अब्यूजर को मजा आ रहा होता है विक्टिम को वो टेंशन में देख के और वीक होता हुआ देख के और फिर वो टेंशन जब बढ़ती जाती है फिर कुछ एक अब्यूसिव इंसिडेंट हो जाता है जिसमें मारपीट भी हो सकती है या जिसमें साइकोलॉजिकल अब्यूज हो सकता है या शब्दों से कटाक्ष किया जाता है विक्टम को बहुत बुरी तरह से जो विक्टम है वो बहुत डर जाता है हर्ट हो जाता है और वो ये डर जाता है कि अरे ये रिश्ता टूटने वाला है ठीक है तो उसमें क्या होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है हेल्पलेस फील करता है और कोर्टिसोल हार्मोन बहुत रिलीज होता है स्ट्रेस वाला राइट अभी वो हार्मोन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि एडिक्शन कैसे हो जाता है ठीक है फिर क्या होता है वो इंसिडेंट हो गया फिर उसके बाद में एक रिकनसिलिएशन होता है अब यूजर आता है दिखाता है मुझसे गलती हो गई आई विल चेंज बोलता है यही वो मूवी के सीन में भी हो रहा होता है आप देख सकते हैं और फिर वापस लव बॉम्बिंग होती है वापस खूब सारे दिए जाते हैं खूब सारा फ्यूचर के बारे में बताया जाता है आगे जाके मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी या ये करूंगा तुमको अच्छे से रखूंगा रखूंगी वगैरह वगैरह बहुत सारा फ्यूचर में होते हैं प्रेजेंट में कुछ नहीं किया जाता है और विक्टिम क्या सोचता है खुश हो जाता है बिकॉज वो जब इतना टेंशन के एटमोसफेयर से निकल रहा होता है फिर बाद में इतना क्लाइमैक्स हो जाता है इतना पीक कोई इंसिडेंट हो जाता है इतना स्ट्रेस हो जाता है इतना कॉर्टेसोल रिलीज होता है बॉडी से तो जब कुछ भी एक थोड़ा रिलीफ का मिलता है ना तो उससे बहुत शांत फील करता है राइट सो so ये जो फेज है उसमें विक्ट को लगता है कि यही प्यार है और ये रियल प्यार है और ये सब ठीक होने वाला है बिकॉज द विक्ट वॉन्ट्स टू बिलीव दैट थिंग्स आर नॉर्मल ओके और फिर आती है काम फेज जब शांति रहती है जो अब्यूजर है वो अपने बिहेवियर को थोड़े टाइम तक कंट्रोल में रख के रखता है कुछ नहीं करता है अजीब चीजें वगैरह और नॉर्मल सी भी रहती है रिश्ते में इंटीमेसी भी हो जाती है बाहर घूमना फिरना भी हो जाता है और विक्टिम क्या सोचने लगता है शायद मुझे गलत याद है या वो अब्यूज अब भी एक ही बार हुआ था चलो मैं माफ कर देती हूँ क्षमा कर देती हूँ या कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में आता है ट्रिगर फेज वापस फिर वापस वो अब्यूजर ढूंढता है कि कुछ तो गलती निकालू ये विक्टिम में या कुछ तो डिसग्रीमेंट करूँ Because वो हमेशा विक्टिम को कंफ्यूज स्टेट में रखना चाहता है, है और फिर वो वापस टेंशन बिल्डिंग होती है लेकिन जो है, वो थक जाता है। और वो हाई कॉटोसोल स्टेट से जब निकलता है आता है तब ये रिकन्सिलियेशन और काम फेज में जब आता है तो उसे लगता है कि ये बहुत प्रेम है एक्चुअली अभी ये एडिक्शन कैसे हो जाता है ये एडिक्शन ऐसे होता है कि ये ये स्लाइड है ये जो ब्रेन में एक्चुअली चेंजेस होते हैं जो ब्रेन में एक्चुअली चेंजेस होने लगते हैं ब्रेन uh, ब्रेन के स्ट्रक्चर में विक्टम के ब्रेन के स्ट्रक्चर में और एक्चुअली केमिकल जो केमिस्ट्री होती है बायो केमिस्ट्री वो बॉडी की और ब्रेन की चेंज होती है जिससे एक एडिक्शन में जैसा एक रिस्पॉन्स होता है एक पर्सन का टूवर्ड्स द थिंग दे आर एडिक्टेड टू वो सेम फिजिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं टूवर्ड्स द अब्यूजर और इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड और ये प्यार नहीं है ये एडिक्शन बन जाता है तो जो ट्रॉमा है उससे आप एक सर्वाइवल मोड में चले जाते हो जो मैंने कहा जब वो कोर्टिसोल बहुत स्पाइक हो जाता है फिर वो एक फ्रीज में चले जाते हैं और कोर्टिसोल बहुत हाई चला जाता है जो स्ट्रेस में जो हार्मोन रिलीज होता है और वो जो विक्टम है वो सर्वाइवल के ऊपर यू नो मतलब और नॉट वैसी वाली हालत होने लगती है और फिर वो जान बुझ के देखने लगता है कि अच्छा वॉट इज गुड इन सो दैट आई कैन सर्वाइव इन दिस रिलेशनशिप एंड ब्रेन में क्या होता है कि जब वो, जब वो वो अब्यूजर काम फेज आती है या फेज आती है अब्यूजर कुछ अच्छा करता है तो द विक्टिम फील्स लव्ड सो वो एक पॉजिटिव फीलिंग होती है राइट right? तो उस सफरिंग में जब उसको थोड़ी काइंडनेस मिलती है तो डोपामिन हिट होता है uh, एक दूसरा जो हार्मोन है वो आई डोंट उंस इट ई पी आई एन ई पी एच आर आई एन ई वो भी एक ऊपर जाता है तो इट बिकम्स लाइक अ हाई एड्रेनलिन लाइक एक्साइटमेंट फील होता है विक्टिम को क्योंकि वो इतने स्ट्रेस से जा रहा होता है उसको हल्की सी थोड़ी काइंडनेस मिल जाती है डोपामाइन स्पाइक होता है एपिनफ्राइन रिलीज uh, होता है एड्रेनलिन हाई होता है करेक्ट तो अभी क्या होता है विक्टिम की ब्रेन की वायरिंग चेंज होने लगती है ब्रेन इज नैचुरली वायर्ड नेचुरल वायरिंग होती है कि जो भी चीजें जिनसे खुशी मिले रिवॉर्ड का सेंस मिले वो वो चाहते हैं कि वो रिपीट हो करेक्ट तो अभी विक्टिम के ब्रेन में क्या सर्किट रीसेट हो रही है हाई स्ट्रेस होता है फिर रिवॉर्ड मिलता है करेक्ट और वो जो एड्रेनर रश है वो एक्चुअली हम सबको बहुत अच्छा लगता है एक्साइटमेंट वगैरह और यस yes? तो उससे क्या होता है एक एडिक्शन हो जाता है वो अब्यूजर अब्यूजर के साथ में बिकॉज वो जो है वो आपको वो वो रश दे रहा है हाई लो दे रहा है जिससे कि आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है करेक्ट और जब ऐसे ट्रॉमा बॉन्ड में जो फंसा हुआ इंसान है उसको आप निकालने की कोशिश करोगे वो नहीं निकलेगा या उसको अक्कल भी आ जाएगी और वो निकलने की खुद भी कोशिश करेगा उसे वैसे ही विदड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जैसे जब कोई नशेड़ी सिगरेट छोड़ता है या यू नो अल्कोहल छोड़ता है या ड्रग्स छोड़ता है उसको जो शरीर में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं वो ही इस विक्टम को आने लगते हैं तो सो फार सो क्लियर ये एक एडिक्शन जैसा होने लगता है उनको तो ये जो इंसिडेंट और अब्यूज फेज है हाई स्ट्रेस फेज है यहाँ पे ये जो दोनों हार्ट्स मैंने बनाए हैं इसमें एड्रेन रश हो रहा है डोपामाइन हाई जा रहा है

इस मूवी में जो दिखाई है उनसे मैं नहीं कह रही हूँ आप सब मूवी देखिए बट इट्स अ गुड टू यूज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉक करेक्ट तो शुरू में अब अब को, कई लोग जिन्होंने ये मूवी देखी है वो कहते हैं कि नहीं रणवीर पहले तो अच्छा आदमी था बाद में ही बेकार हो गया जब उसका वो अफेयर हो गया उसने पहले तो अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं बस यू नो किसी और के साथ नहीं रहूंगा तुम ही मेरी रहोगी और इतना प्रेम न्यौछावर करता है इतना ये करता है वो करता है दट द लव बॉम्बिंग फेस दूसरी बात है कि रणवीर जो रणविजय है जो उसमें रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर जो वो निभा रहा है रणवीर जी का वो पहले से ही बहुत टॉक्सिक और अब टाइप का होता है वो था 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 था। तो जैसे जब वो अपनी बहन को रेस्क्यू कोई तो तकलीफ दे रहे होते हैं तो कैसे गन्स लेके पहुंच जाता है स्कूल में और आ, कैसे वो रश्मिका को भी रश्मिका की सगाई हो जाती किसी और के साथ विवाहित होने के लिए लेकिन वो उसको कैसे कन्फ्यूज कर देता है थ्रू मैनिपुलेशन अपने आप को दिखाता है कि मैं एक बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ और यू you नो know, तुमको सही चॉइस करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग आदमियों को जीत जीतना चाहिए तो बिकॉज शी इज लो लो इन इन सेल्फ सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ये ये जो बोल रहा होता है इतना दिखा के ये उसको बिलीव कर लेती है और इसके साथ पे अगेंस्ट हर फैमिली शादी कर लेती है तो अभी आपको लगेगा अरे वाह क्या प्यार है कई लोग इसकी मिसाल लेके अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हैं बट फिर एंड भी वैसा ही होगा जैसे इस मूवी में हुआ है आपका राइट अभी जैसे वो दिखाते हैं कि वो फ्लाई कर रहे हैं वो रणविजय जो है कैरेक्टर है रणबीर सिंह का वो प्लेन चला रहा है और रश्मिका इतनी मेसमराइज है फिर वो उसको भी बिठा देता है सीट पे उसको भी सिखा रहा होता है कि ऐसे फ्ले करो तो वो कितनी हो जाती है कि अरे मेरे को तो क्या होता है से जो हमेशा से थी, वो आप करते आपकी लो सेल्फ एस्टीम है राइट फिर करवा चौथ सीन हम डिस्कस कर चुके हैं अनदर थिंग इज जो जिसके साथ उनका अफेयर होता है तृप्ति डिमरी के साथ में अः वो भी रणबीर कपूर के साथ में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उसके साथ में इंटर करती है करेक्ट उसको शी इज लाइक अ फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द पार्टी राइट वो एनिमीज के साइड से आई है लेकिन वो उसके पर्सनालिटी से उसके मैन्युपुलेटिंग गैसलाइटिंग वगैरह से शी ऑल्सो फॉर गेट्स वाई शी इज देयर और वो भूल जाती है अपना काम और वो अपने उसके साथ में बिजी यू नो इन्वॉल्व हो जाती है और वो सब क्यों है वो मैन्युपुलेशन में तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है नीड फॉर लव है वो सब कारण के साथ वो मैनिपुलेशन में कर जाती है तो ना ये लोग क्यों अटके उसमें है तो एक है लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कई मैंने देखा है बहुत हाई अचीवर्स भी होते हैं वेरी हाई अचीवर्स इन द वर्ल्ड जो कि लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं आगे बढ़ भी पाते हैं तो आ, आ, उनको उनसे आगे के लोगों से बहुत इट्स नॉट अ प्रेरणा प्रेरणा मिलना एक अलग चीज है आप उत्साहित हो कि आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस है और अब उस कॉन्फिडेंस को लेकर आप आगे बढ़ रहे बट बिकॉज उनसे जो थोड़े आगे लोग हैं वो कोई कोई चीजों में अच्छे हैं वो मैन्युपलेटिव हैं वो टॉक्सिक हैं वो आपको डिवीन कर रहे हैं डी वैल्यू कर रहे हैं और यू नो यूज एंड थ्रो कर रहे हैं बार 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 रिलेशनशिप में फिर भी लोग उनके साथ अटके रहते हैं और ये अटके इसलिए रहते हैं कि वही बात अरे दे आर एनामेड बाय द पर्सनैलिटी वाह इसको ये भी आता है वाह उसको वो भी आता है मेरे से तो ये कितना अच्छा है या अच्छी है कितनी चीजों में और वो टॉक्सिक चीजों को मिस कर देते हैं उनको खुद में लगता है कि अरे मैं तो इस आदमी के लायक ही नहीं हूँ मुझे अपना रहा है यू नो दे गेट लॉस्ट इन दैट एंड उसका जो सीन है वो एक मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है दूसरा और मैं दिखा वो सीन के बारे में बताऊंगी हाँ ये कबीर सिंह मूवी में है कि ये जो कियारा अडवाणी और शाहिद कपूर की मूवी है मेड बाय द सेम फिल्म मेकर उसमें वो बोलती है कि वॉट डू लाइक इन मी मतलब मतलब वो ढूंढ रही है बाहर से प्रूफ अच्छा 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 तुम्हें मुझ में में क्या क्या अच्छा क्या क्या लगा अरे तो पूछ हो तुम है तो ये क्या? Looking for that, uh, खुद से कोई आगे दिख गया तो वो खुद का सारा भूल जाते हैं कि वो उनकी खुद की जो स्टैंडिंग है that I am something, वो सारा भूल जाते हैं डिपेंडेंट ट्रेट्स भी रहती है और कई लोगों को लगता है कि हम ऐसे लोगों को अपने प्रेम से अपनी अंडरस्टैंडिंग से इनको ठीक कर सकते हैं और अग्रीएबलनेस और कॉन्शियशियसनेस भी रहती है जो स्त्रियों में थोड़ी ज्यादा रहती है कि हम अग्री करके सबके साथ चलने वाले लोग होते हैं और थोड़ा जो और दूसरी या इवन मैन और जो ड्यूटी बाउंडेडनेस होती है कॉन्शियनशियसनेस की काम सही से करना है बराबर करना है तो फिर क्या है वो लोग भी इन चीजों में ट्रैप हो जाते हैं तो अगर वो अपने ट्रामा बॉन्ड से भी निकल जाते हैं लेकिन फिर भी ये वाली जो दो इनकी पॉइंट्स है कि वो अग्रीएबल है हर चीज के लिए या अपने काम में कॉन्शियस है ड्यूटी बाउंड वगैरह है उनके कारण वो वापस फंसने का उनका रिस्क रहता है yes. so ये हम देख चुके हैं ना ये जब कोई ट्रॉमा बॉन्ड में रहता है तो उसके होता क्या है उसके साथ में यस वट अ पर्सन एक तो बहुत सारा दिमाग में एक दही हो जाता है पूरा कंफ्यूजन हो जाता है डिसोनेंस वैसे बिकॉज उनको खुद के बारे में क्योंकि हर टाइम पे क्रिटिसाइज किया गया है या गैसलाइट किया गया है तो उनको जो लगता है वो उसको कॉन्फिडेंटली उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि वो जो देख रहे हैं समझ रहे हैं वो सही है कि नहीं और इमोशनल इतना ऊपर नीचे होता है जो मैंने आपको साइकिल दिखाया कि वो एक सारे टाइम में स्ट्रेस और इसके रोलर कोस्टर में रहते हैं खुद पे भी काबू छोड़ छूट जाता है उनका और उनका खुद का भी बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि जैसे वो खुद के बिहेवियर को पहचान ना पाए अब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है बहुत तोड़ फोड़ का या गुस्सा या जो भी है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द अब्यूज कि वो अपने आप को खो देते हैं और फिर एनी वे फाइनेली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फीलिंग्स की हमारी है तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते बट ये इफेक्ट्स होते हैं लो सेल्फ एस्टीम लो सेल्फ वर्थ पहले से ही है तभी आप अटके उनके साथ में और आपका और डाउन हो जाता है और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चला गया एंड फियर ऑफ अबेंडनमेंट डर आने लगता है कि अरे मैं अकेले सर्वाइव कैसे करूंगा या करूंगी अगर ये नहीं होगा या होगी तो तो वो एक अबेंडनमेंट का फियर होता है इससे आप और और रिजाइन और सबमिट करने लगते हो और और अग्रीएबल होने लगते हो और आप आइसोलेट और एलियनेट होने लगते हो दैट्स अनदर थिंग दैट दिस पीपल डू इज आपको आपके फ्रेंड से इससे उससे आइसोलेट करते हैं आप अपनी ऑटोनोमी अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अपनी लाइफ को कैसे आगे दर्शाना है क्या करना है अपनी इंडिपेंडेंस है वो सब आप भूल जाने लगते हो क्योंकि आप थक चुके होते हो और आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो और आप किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं कर पाते हो आप अपने खो चुके हो क्योंकि दूसरा भी आपके साथ नहीं रहना चाहता है person, so more more alone, Now, इस मूवी में ट्रामा बॉन्ड एक रणबीर का हल्का सा दर्शाया गया है पूरी स्टोरी नहीं बताई गई है लेकिन उसका एक अपने पिताजी के साथ इसका खुद का होता है ये खुद टॉक्सिक है आ, रश्मिका का इसके साथ में है लेकिन इसका खुद का अपने पिताजी के साथ में है क्योंकि ऐसा हल्के थोड़े सीन्स में दिखाया गया पूरी हिस्ट्री नहीं बताई गई है दैट उसको बचपन में बहुत अब्यूज और निग्लेक्ट मिला है तो वो बहुत कोशिश करता है वो भी एक प्लीजिंग मोड जोन में चला जाता है कि अपने पिताजी को अपने एक्शन से वो कैसे प्लीज करे और वो हद पार कर देता है उसके अंदर मतलब सारी वैल्यूज के फ्रेमवर्क की धर्म की हर हर चीज़ की हद पार कर देता है उसके भी ब्रेन चेंजेस होते हैं बचपन में भी अगर कोई बच्चों को निगलेक्ट और ये सब मिलता है अबैंडनमेंट होता है उनके भी ब्रेन में चेंजेस होते हैं एंड दे हैव डिफिकल्टी फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स इन द फ्यूचर अब हम ये नहीं कह सकते कि रणबीर की हालत ऐसी थी क्योंकि बचपन में उसके साथ में ऐसा हुआ नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते और ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते बिकॉज हमारे स्वभाव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है हम नहीं कह सकते बचपन में ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा 18 साल के बाद में आपका बचपन खत्म हो गया उसके बाद में अपने बिहेवियर की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है तो अपने आप को साइकिल ब्रेकर बनाना अपने आप को निकलना उस माइंडसेट से वगैरह वो सब जवाबदारी आपकी है ठीक है तो अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो कि जिनके पास में सब रीजंस थे ट्रॉमा बॉन्ड में एकदम पागल होना और बिलीव करना Uh, और मतलब वो उनके पास नॉट बिलीव करना उनके पास में भी सारे रीजन थे जो रश्मिका के थे या तृप्ति डिमरी के थे या रणबीर सिंह के थे रमी कपूर के थे या फिर कियारा अडवाणी के थे टू बी इन्वॉल्व इन अ ट्रामा बॉन्ड बट वो लोग नहीं हुए वैसे ट्रामा बॉन्ड्स में आ, विक्टिम नहीं बने एंड उनके अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ये थोड़े शास्त्रों से एग्जाम्पल्स हैं पांडवों का एग्जाम्पल ले लीजिए वो भी विक्टिम थे बहुत, साला बहुत, बहुत सारा मैनिपुलेशन बहुत सारी गैस लाइटिंग बहुत सारा लॉस ऑफ ऑटोनॉमी बहुत सारा डिमीनिंग, क्रिटिसाइजिंग डीवैल्यूइंग देम सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग करेक्ट विक्टिमहुड और uh, वो सब कितना हो रहा था उनके साथ में बट वो लोग ने कुछ ट्रॉमा बॉन्ड नहीं डेवलप किया धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साथ में. कि कभी-कभी उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा हो गया तो हम वापस यू नो उनके साथ बॉन्ड हो गए एडिक्ट हो गए वो सब इनके साथ में नहीं हुआ वसुदेव और देवकी जो अगर आप जो वार्तालाप सुनेंगे वसुदेव का कंस के साथ जब वो देवकी को मार डालने के लिए रेडी हो जाता है जब वो आकाशवाणी सुनता है इट इज अ क्लासिक केस स्टडी और इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू डील नार्सिसिस्ट जो वसुदेव जी आ, कंस के साथ जो वार्तालाप करते हैं कैसे पैसिफाई करते हैं और कैसे कुछ तो बचा के निकल जाते हैं वहां से वो एक नार्सिसिस्ट के साथ साथ कैसे डील करना क्लासिक केस स्टडी है अभी वसुदेव और देवकी भी जो हैं वो उनके साथ में इतना सुंदर विवाह ऑर्गेनाइज किया था कंस ने खुद रथ चला कर लेकर जा रहा था अपनी बहन और जवाई को खुद रथ चला के जा रहा था राइट और फिर वो मार डालने के लिए तैयार हो गया टेंशन बिल्डअप हुई देन ही पीक स और फिर वो मार डालने के लिए तैयार फिर बाद में रेकनसाइल हुए बाद में उसने जेल में डाल दिया फिर हर भाई हर बच्चों को मैं ले जाऊंगा फिर जब वो पुत्री हुई और उसे समझ में आया कि अरे कुछ तो दिव्य हो रहा है फिर उसने उन्होंने को निकाल भी दिया अब वसुदेव और देवकी ने अपना डिस्क्रिमिनेशन नहीं खोया अरे नहीं वो भाई को तो सिर्फ एक ही बार ऐसा हो गया बाकी विवाह तो कितना अच्छा गया था उसने या फिर अच्छा वो देखो उसने हमें वापस भी तो निकाल दिया कारावास से देखो वो एक्चुअली तो अच्छा आदमी है उन लोग को वो सब नहीं हुआ वो क्लियरली उसको समझ पाए और कभी भी उसके वो वो बिलीव नहीं किए ना अपना अपनी खोई ना अपना सेल्फ वर्थ ना अपना कॉन्फिडेंस खोया उन्होंने हाँ तकलीफ से गुजरे लेकिन उन्होंने फिजिकली एक बॉन्ड में होंगे उस बंदे के साथ में कंस के साथ में लेकिन इंटरनली देवर नॉट इंटेंगल्ड इन ट्रामा बॉन्ड विद करेक्ट विदुर का देख लीजिए विदुर सूत पुत्र विदुर दासी पुत्र होते हैं मिनिस्टर uh, होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं कुरु असेंबली के कुरुक्षेत्र के सॉरी हस्तिनापुर के और कुरुक्षेत्र के और uh, वहाँ पे उनकी भी सेल्फ वर्थ कितनी डाउन हो सकती है कि अरे मैं तो दासी पुत्र हूँ तो ये भी सही नहीं हूँ वो भी सही नहीं हूँ राइट कितने वालेबल हो सकते हैं लेकिन उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना डिस्क्रिमिनेशन हमेशा इंटैक्ट रखा और कभी भी इन लोगों की बातों में नहीं आए ना डिपेंड हुए उन लोगों के रिवॉर्ड्स पे और ना ही कभी भी उनके साथ में कोई बॉन्ड बना उनका ट्रॉमा बॉन्ड टाइप जबकि उनको निकाल जब दे रहा था दुर्योधन और वो छोड़ के अपना निकल गए भारत तीर्थ यात्राओं में तब भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे हाय मैं कैसे अपीस करूं दुर्योधन को मैं कैसे उसे शांत करूं ताकि मुझे वापस आ, मैं अकेले कैसे घूम पाऊंगा मैं अकेले कैसे कुछ कर पाऊंगा अरे हाय अरे ये कैसे होगा वो कैसे होगा ना no, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो लोग ट्रोमा बॉन्ड में नहीं गए अब इन सब पर्सनैलिटीज में कॉमन बात क्या है राइट right? कॉमन बात क्या है आ, ये कि इसमें ये कॉमन बात आप क्या समझते हैं कि इन सबके बीच में कॉमन क्वालिटीज क्या है जो हमें ढालनी है अपने आप में ये उनका सबका एक हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है कि वो अननेसेरी किसी के बातों में या उसमें या डिपेंडेंसी बन के नहीं रहते

आ, तकलीफ होती है मन में देख के जब भी, भी मुझे समय मिलता है वो देखने के लिए और हम जवाब नहीं देते बिकॉज वी कांट हेल्प यू ऑन चैट क्योंकि ये सब के लिए बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए होता है जो कि प्रोग्राम्स के थ्रू होता है हमारे तो वो सब मैं पढ़ती हूँ लेकिन मुझे क्या लगता है कि आई कांट हेल्प एनी वन हु तो ये जो लोग थे ये हेल्पलेस नहीं थे देर हाई एजेंसी पीपल उनको पता था कि अच्छा यहाँ रास्ता बंद हुआ है तो मैं दूसरा रास्ता निकाल लूंगा या निकाल लूंगी कहीं से करेक्ट तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे हेल्प ले रहे थे गाइडेंस ले रहे थे सबकी लेकिन ऐसा नहीं कि बेचारा बन के घूमे कभी ना विदुर बने ना पांडव बेचारा बन के घूमे है ना वसुदेव और देव की कभी भी बेचारा बन के नहीं घूमे अपना चारा अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़े यस yes? तो हाई एजेंसी होना जरूरी है जब हाई एजेंसी नहीं होती है आपकी खुद की कि आप अपनी ही एजेंसी के थ्रू आप अपना रास्ता निकाल सकते हो तब आप डिपेंडेंट होने वाले हो क्योंकि हाई एजेंसी ही लोग हैं जो कि कोचिंग और काउंसलिंग के लिए भी साइन अप करते हैं जो लो एजेंसी के लोग नहीं हो, जो होते हैं दे डोंट साइन अप फॉर दिस प्रोग्राम्स आल्सो बिकॉज हाई एजेंसी पीपल नो मुझे इससे निकलना है बिकॉज मेरी लाइफ की बहुत वैल्यू है मुझे आगे बढ़ना है तो वो उस डायरेक्शन में हेल्प भी लेते हैं प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली आगे निकल जाते हैं बिकॉज उनको पता है उनकी लाइफ की वैल्यू इस अब्यूज से इस ड्रामा बैंड से कहीं ज्यादा है और उन्हें बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है इस जीवन में यस हाई एजेंसी पीपल दे डोंट नीड मच टू बी हैप्पी एक और ये बात है इनको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती तो अगर किसी ने राजपाट ले लिया किसी ने किंगडम ले ली हाँ वो सही सत्य के लिए धर्म के लिए युद्ध करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर से ऊपर नीचे हो वगैरह हाई इसके बिना क्या होगा और वो खुद के साथ बहुत स्ट्रांगली सेल्फ पार्टनर है अपनी नीड्स को समझते हैं और उसका कैसे ध्यान देना उसको कैसे पूरा करना आवश्यकताओं को वो भी जानते हैं और उनको पता है कि इसको कैसे मुझे अपने आप का मैं ध्यान रख सकता हूँ या रख सकती हूँ वो ये डिपेंडेंसी में नहीं है पांडव कि अरे दुर्योधन ही हमारा करता है सारा राजपाट तो उसके हाथ में या विदुर ये नहीं सोच रहा है कि अरे मैं राजा पाठ से निकल गया आपका ध्यान तो मेरा क्या होगा आप कुछ नहीं दे नो हम अपना ध्यान रख सकते हैं आ, और दे हैव अ स्पिरिचुअल कंसेप्शन ऑफ लाइफ ये होना बहुत जरूरी है हम सबके लिए स्पिरिचुअल कंसेप्शन ऑफ लाइफ होना बहुत जरूरी है नहीं तो हम इसी जीवन को ऑल इन ऑल उसी एक रिश्ते को ऑल इन ऑल होके समझते हैं और बाय गारंटी आपको इस जीवन में दुख मिलने वाला है रिश्तों में भी दुख मिलने वाला है इसमें नहीं तो कोई और में आपको दुख मिलने वाला है तभी आप सब बैठ के ये शो सुन रहे हैं तो रिश्तों में दुख मिलने ही वाला है ये बाय डेफिनेशन है बाय डिजाइन है ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड यस yes, हम इस जीवन को ऑल ऑल इन बैठ के समझते हैं कुछ हायर है, रियलिटी के बारे में ज्ञान नहीं है कि ये हमारे जन्म का पर्पस क्या है हम यहाँ क्यों आए हैं हमें आगे क्या करना है ये जीवन का महत्व क्या है इसे हमें साकार कैसे करना है हमको लगता है कि यही जो प्रेम का जो मेरा रिश्ता है यही साकार होना ही मेरे जीवन का आ, उद्देश्य है है ना क्यों क्योंकि सारी मूवीज में यही ग्लोरीफाई किया जाता है मूवीज में ये नहीं ग्लोरीफाई किया जाता है कि कोई बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है किसी ने समझ लिया कि अध्यात्म में आगे बढ़ना है और वो अपना जीवन उस चीज में आगे लगाता है ऐसी मूवी फ्लॉप हो जाएगी एनिमल जैसी मूवी हिट हो जाएगी तो अब जब मूवीज में जो चीज ग्लोरीफाई की जाती है हम उसे ही सब कुछ समझने लगते हैं और फिर हम उसमें ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें लगता है रिश्ते ग्लोरीफाई किए जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ लवर लवी यू नो यही सब ग्लोरिफाई किया जा रहा है तो मुझे भी इसमें ही आगे बढ़ना बिकॉज़ तो मेरे ऊपर भी पिक्चर बनेगी कोई पिक्चर नहीं बनाने वाला आपके ऊपर राइट तो ये स्पिरिचुअल कंसेप्शन होना बहुत जरूरी है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ ना मैं ये शरीर से जुड़ी चीजें हूं मैं आत्मा हूँ और ये जन्म के जैसे मैंने पता नहीं कितने सैकड़ों जन्म मैंने व्यतीत किए हैं अलग अलग योनियों में उस भी उन जन्मों में भी मैंने पता नहीं कितने रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देगी कितना मेरा दिमाग खराब किया होगा और अभी भी कर रही हूँ मुझे कुछ याद नहीं वो रिश्तों के बारे में वो लोग कहाँ है कहाँ है वो सब शरीर के साथ खत्म हो गए तो इस जीवन में मुझे इन रिश्तों को मेरी ड्यूटी समझ के निभाना है और मुझे इस जीवन को उद्देश्य तक इसके अंतिम गोल तक कृष्ण भावनामृत गोलोक वृंदावन तक पहुंचना है वो उद्देश्य पूरा करना है तो आई हैव टू राइज ऑल ऑल थिंग्स आर हैरी राइट और मुझे अपना वर्टिकल कनेक्शन बनाना है भगवान के साथ में और उसको मुझे स्ट्रांगली डेवलप करना है तो जब हम वो करते हैं तब हम ये सब चीजों में इतना दुखी नहीं होते इतना ट्रॉमा बॉन्डिंग नहीं होता ये नहीं होता है पांडव वो जो युद्ध लड़े हैं वो धर्म के लिए लड़े हैं धर्म संस्थापना में भगवान के लिए निमित्त मात्र बनने के लिए लड़े हैं जो विदुर प्राइम मिनिस्टर थे अब नहीं थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनली मेरा रिलेशनशिप क्या है तो ये समझना बहुत जरूरी है तो वो जो लोग थे जिनके बारे में चर्चा की है उनमें एक सेंस ऑफ धर्म था ओवर वॉट इज इन फॉर मी मैंने एक बहुत पहले एक शो किया था क्यों करे शादी जिसको समय मिले देख लेना उसमें मैंने बताया था कि विवाह क्यों करना चाहिए विवाह का पर्पस क्या है विवाह का पर्पस हैविंग फन ड्राइविंग अ प्लेन टुगेदर गोइंग इन स्विट्जरलैंड एंड यू नो गोइंग हियर एंड गोइंग देयर एंड एंड एंजॉयिंग विद ईच अदर बास्टिंग रोमांटिक लवी डवीज टू ईच अदर इज नॉट द पर्पस ऑफ मैरिज इट इज अ वेरी नाइस टू हैव इन द मैरिज इट इज गुड इट ब्रिंग्स अबाउट अ नाइस रिलेशनशिप एंड कॉर्डिटी बट वही मेन चीज नहीं है विवाह एक ड्यूटी है एक संस्कार है जो वैवाहित दंपत्ति है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यू uh, नो you know, अपने जो ब्रह्मचारी वर्ण है सॉरी आश्रम है उनके प्रति जो वा, वानप्रस्थ आश्रम है उनके प्रति जो बालक अवस्था में उनके प्रति और जो सन्यास ले चुके हैं उनके प्रति तो जो दाम्पत्य का जीवन है वो इस सोसाइटी को साथ में रखना और खुद को एक दूसरे को सपोर्ट करके बैक टू गॉर्डर्ट कैसे जाना और अपने बच्चों को भी कैसे लेके जाना और इन सब जो आश्रम है उनको सपोर्ट करना वो है In life. जब हमारी नहीं करती हैं हमारे डिसीजन को तब गलतियां होती है किसी को सेल्फ वर्क नहीं है आर लुकिंग फॉर सेल्फ वर्क सेल्फ लव सेल्फ वर्क आउटसाइड वो एक डिजायर है उसको पूरी करने के लिए हम कोई भी गड्ढे में जाके गिर सकते हैं तो जो लोग

ताकि जो एक्चुअल रियलिटी है उसको हमको नहीं ध्यान में आए ना हम उसको उसको हम दबा दें अपने सबकॉन्शियस में और ये पुरानी बातें याद करके क्या होता है वापस वो ब्रेन केमिस्ट्री के थ्रू एक एडिक्शन जैसा फील होता है आपको और तो वो एक हाई मिलता है एंट्रल हाई करेक्ट और जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं जो लोग बता रहे हैं आपको कि अरे यार ये तुम्हारा जो है तुम जिसके साथ हो या तुम्हारी जो पत्नी है या तुम्हारा जो पति है या तुम्हारा जो बॉस है वो एवर इट इज वॉट एवर रिलेशनशिप इट इज वो बहुत अब्यूसिव है तुम एक ट्रामा बॉन्ड में हो तुम आप उन सब लोगों को अवॉइड करते हो उन सब लोगों को दूर रखते हो आप अपने अब्यूज को और अपने ट्रामा को दबाते हो आप उसके बारे में किसी के साथ चर्चा नहीं रखते हो उसको छुपाए रखते हो और उनके बिहेवियर जो अब्यूसिव है जो आपके रिलेशन जिनका साथ में वो जब गलत चीज करते हैं आप उनके बिहेवियर के लिए एक्सक्यूजेस करते हैं अरे नहीं ये तो इनका प्यार करने का तरीका है अरे नहीं ये कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं वैसे तो बहुत अच्छे हैं यू नो यू मेक एक्सक्यूज या मेरी ही गलती थी जिसके कारण इनका ऐसे हो गया राइट और एक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है अरे वो ना दिखे तो मैं सांस ना ले पाओ मैं खाना ना खा पाओ मैं ये ना कर पाऊ ना कर पाऊ राइट तो आप एक एडिक्शन हो जाता है और आप खुद को बहुत ब्लेम करते हैं और फिर ये एक टेबल है बिट्वीन की ये जो ट्रामा बॉन्डेड रिलेशनशिप जो होता है और जो रेगुलर हेल्दी रिलेशनशिप होता है कई लोगों को पता ही नहीं होता है राइट तो हेल्दी जो रिलेशनशिप है इट इज बेस्ड ऑन मतलब आपस में एक आदर सत्कार है एक दूसरे की भलाई है एक दूसरे को एक इमोशनल डीप इमोशनल कनेक्शन है एक दूसरे के वेलबींग well के लिए तो ट्रॉमा बॉन्ड में नहीं होता वो सिर्फ एक मैन्युपुलेशन है और आपका एक एडिक्शन है आ, दूसरा है कि कम्युनिकेशन में प्यार भी होता है लड़ाई झगड़ा भी होता है ओपन ऑनेस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है हेल्दी रिलेशनशिप पे ट्रॉमा बॉन्ड वाले में सिर्फ झगड़ा होता है या साइलेंस होती है बीच में कभी कभी इंटीमेट होता है बट दैट्स इट Uh, एक डिपेंडेंसी uh, और इन्वेस्टमेंट होता है इसमें उसमें uh, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है कि कैसे हम इंटरडिपेंडेंट हो बट इंडिविजुअली इमोशनली इंडिपेंडेंट हो और कैसे हम आगे बढ़े बाउंड्रीज नहीं होती है इस रिश्ते में ना आपकी ना उनकी आप जो विक्टिम होते हैं उनको बाउंड्रीज बनाना ही नहीं आता है तो वो बाउंड्रीज ही नहीं रहती उनके इसलिए दिस पीपल कैन अटैक बट हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों जो है वो एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं वो ओफेंडेड नहीं फील करते हैं और ट्रस्ट होता ही नहीं है आप सारे टाइम डरे हुए रहते हैं हेल्थी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट और इंटेंस इमोशनल हाईज एंड लोज होते हैं यहाँ पे नहीं होते यहाँ पे एक इमोशनल हाइज एंड लोज में एक दूसरे के साथ रहते हैं एक दूसरे का सहारा बनते हैं और कॉन्फ्लिक्ट यूजली पावर स्ट्रगल की होती है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग से कोलेबोरेटिवली एक दूसरे का मत समझ के एक दूसरे का पक्ष लेके रिजोल्व होती है और इससे फिर लोअर सेल्फ एस्टीम बनती है उससे एक दूसरे से आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो तो ये सब चीजें तो अभी अगर आप अपने आप को देख रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाले बेस्ड ऑन हर डिस्कशन की व्हाट आर योर वल्नरेबिलिटीज राइट तो कभी कभी किसी का कुछ बचपन में कुछ इमोशनल अबेंडनमेंट हुआ है उसके कारण वो लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ये ट्रोमैटिक रिलेशनशिप्स के लिए बिकॉज दे डोंट नो अ हेल्दी रिलेशनशिप इज क्या आपकी लो सेल्फ एस्टीम है क्या आपकी एक लर्न हेल्पलेसनेस है कि मैं बेचारा हूँ या बेचारी हूँ मैं अकेले कैसे करूंगी मैं ये कैसे करूंगी मैं वो कैसे करूंगी अरे ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा एंड रियली really, जो वैसे रहते हैं उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता है राइट right? और आर यू लुकिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द आउटसाइड कि की उसके कारण भी आप फंस सकते हो आ, नहीं आप आ, आप नादान होते हो आपको नहीं पता होता है लोग ऐसे होते हो, और आपके में एक सिंसियरिटी रहती है जो कि अब्यूज की जाती है लैक ऑफ सेल्फ लव खुद के प्रति प्रेम ही नहीं है मैंने एक अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट किया था फाइव रीजन पीपल रिमेन्स यू नो एम्पैस अपने आप को हील नहीं कर पाते क्योंकि उनको खुद के प्रति स्व प्रेम ही नहीं होता आत्मा प्रेम ही नहीं होता है कि हमें अपने आप को मतलब मेरी नीड्स भी इंपॉर्टेंट है मुझे अपना ध्यान रखना है उन्हें पता ही नहीं होता इससे बेटर कुछ रिलेशनशिप है दूसरा उन्हें लगता है कि मेरी क्या वैल्यू है कि मैं अपने आप में इन्वेस्ट करूँ Uh, कोई हेल्प लू कोई कोचिंग लू थेरेपी लू जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं और उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये सब ठीक है और खुद का लो स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी रहता है Now, ours, ना हम हमेशा एक्रोनिम में बात करते हैं यहाँ पे शो पे लाइफ कोचिंग में नमिता में तो आज का जो हमारा एक्रोनिम है वो है आह सो वी हैव टू रिलीज अ लॉट ऑफ आह राइट सो आह जब हम कराते हैं आह निकलती है ना तो बस वो जो आह निकलेगी वो बहुत सारी आह निकलेंगी लेकिन वो होंगी पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट सो ए इज एक्नोलेज स्पिरिचुअलिटी तो पहले तो एक्नोलेज करना है कि मैं ऐसे ट्रॉमा बॉन्ड में हूँ और मेरी ऐसी वर्नरेबिलिटीज हैं हम अगर एक्नोलेज नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सेकेंड इज अलोन इज हार्ड आपको लगता है कि मैं अपने आप को ठीक कर पाऊंगे कर पाऊंगा कोशिश कीजिए आप दो तीन साल लगा देंगे फिर भी आप वही अटके रहेंगे फिर भी आप बार बार ये सब वीडियो सुनेंगे बार बार खोजेंगे आंसर अपने आप का और आगे नहीं बढ़ पाएंगे और मेरे जैसे लोगों को लगता नहीं मेरी लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है मुझे ये सब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना है आई नीड अ क्विक सोल्यूशन आई नीड टू गेट बैक बिकॉज सो मच आई वॉन्ट टू डू विद लाइफ राइट सो अलोन इज हार्ड गेट हेल्प एक कई हम देखते हैं हम क्योंकि हम एक लाइफ कोचिंग कंपनी चलाते हैं बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं हील स्ट्रोंग करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया अभी फॉर पीपल इन दिस सिचुएशन तो uh, उसमें हम देखते हैं कि कई लोग आते हैं इंक्वायरी करते हैं और बाद में बोलते हैं अरे ये तो बहुत मेहनत का काम है कोर्स करना पड़ेगा कोचिंग लेना पड़ेगा कोच होमवर्क देगा वो फॉलो करना पड़ेगा ये तो नहीं नहीं इतनी मेहनत कौन करेगा इससे क्या मोटिवेशन है तो फिर हम उनको बोलते हैं कि शायद आपका जो मोटिवेशन टू गेट आउट ऑफ पेन इज नॉट स्ट्रांग इनफ तो जब तक आपको वो मोटिवेशन स्ट्रांग इनफ नहीं होगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ या नहीं निकलना निकलना चाहती हूँ तब तक आपको वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि मैं अपने आप पे मेहनत करूँ देखो मेहनत तो दोनों तरफ होने वाली है एक में आप नेगेटिव होकर डाउन जाने वाले हो सहने में दूसरा आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें समय डालें चीजें सीखे आगे बढ़े उससे आप आगे बढ़ने वाले लेकिन कई लोग को वो मेहनत नहीं करनी होती टू मच वर्क इससे अच्छा तो मैं स्टेटस को ही चलाती हूँ तो चलाइए फिर आते हैं वो दो तीन साल बाद फिर वापस वापस वही बात लेके चले जाते तो डोंट एंटरटेन बिकॉज़ नो ये लोग नहीं करना चाहते राइट तो यू कैन कंटिन्यू टू स्टे इन पेन एंड अपने आप अपने आप कोशिश कर सकते हैं या फिर आप आ, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं जो कि क्वालिफाइड हो इस फील्ड में और इससे क्या होता है जब आप उसमें जो लोग होते हैं ना नहीं इतनी मेहनत तो करेगा उनकी पर्सनैलिटी और वीक होती जाती है बहुत गुस्सा आने लगता है लेस एजेंसी इन लाइफ हेल्पलेस वगैरह राइट तो ये टू एज हो गए एज अवेयरनेस अपलेज सॉरी एंड एज अलोन इज हार्ड एच इज हील एंड ग्रो आप जब हेल्प मिलती है आपको तो उसको आप उसमें अपने आप को लीन कीजिए अप्लाई कीजिए वो सब चीजों को अपने आप को हील कीजिए और आगे बढ़िए वो प्रॉपर रोड मैप फॉलो करके एंड एस इज स्पिरिचुअलिटी तो ये स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्पिरिचुअल सेल्फ लव है दैट ये हमें याद रखना है कि आई एम अनकंडीशनली मतलब भगवान मुझसे असीम अनुकंपा है मुझ पर और वो मुझसे असीम प्रेम करते हैं और उसका कोई कारण नहीं है मुझे कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि भगवान मुझसे असीम प्रेम करेंगे कोई कारण नहीं है भगवान मुझसे असीम प्रेम करते हैं गॉड लव्स मी अनकंडीशनली और ये मेरे मेरी अनलिमिटेड वैल्यू है भगवान की नज़रों में तो ऐसे कोई मुझे ट्रीट कर रहा है आई डोंट हैव टू टॉलरेट दिस ट्रीटमेंट बिकॉज जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप में लगता है कि मेरी वैल्यू लो है गॉड लव्स मी अनकंडीशनली एंड आई हैव अनलिमिटेड वैल्यू इन द आईज ऑफ गॉड और मैं ही नहीं सभी की बहुत भगवान अनलिमिटेड प्रेम करते हैं और सबके अनलिमिटेड वैल्यू है भगवान की नज़रों में और ये जो आइडेंटिटी है ये टेम्प्रेरी है हाँ मुझे ये ड्यूटीज करनी है हाँ मुझे प्रेम चाहिए मुझे ये चाहिए लेकिन मुझे इसमें अपने आप को पूरा नहीं डुबाना है और जो मेरी रियल आइडेंटिटी है स्पिरिट सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा वो ये सब चीजों से अफेक्ट नहीं हो सकती है नयनम छिंदंत शस्त्री नैनम, नैनम दहति पावक तो वो जब कोई किसी की मृत्यु होती है पहले न्यूज़पेपर में कोई ऑबिच्यूरी का फोटो आता था उसमें हमेशा ये श्लोक लिखा जाता था कि अः जो अर्थ भूमि मतलब जो अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर है वो इसी जो श्लोककार है कि उनकी जो भी चीजें हैं उनसे सोल को कोई ना गीला कर सकता है ना काट सकता है ना जला सकता है कुछ नहीं हो सकता है सोल हमेशा अनटच्ड रहता है बाय थिंग्स एंड पीपल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड तो चाहे कुछ भी हो रहा हो जब हम स्पिरिचुअल कंसेप्शन में रहते हैं स्पिरिचुअल सेल्फ लव में रहते हैं अपनी नीड्स एंड फीलिंग्स को ऑनर करके और भगवान के साथ में कनेक्शन लगा के हम ये समझ पाते हैं कि ये जो हो रहा है इस आइडेंटिटी को हो रहा है मुझे नहीं हो रहा है और मैं मेरी रियल आइडेंटिटी पूर्णम है आई एम कंप्लीट है मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आई एम कंप्लीट ओम पूर्णम अदम पूर्णमदम पूर्णा पूर्णमुदेत सुना है तो भगवान पूर्ण है भगवान के जो अंश है वो निकलते हैं भगवान से वो भी पूर्ण है और अंश निकल भी जाते हैं फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं तो हम ऑलरेडी पूर्ण है तो हमें कोई और कंप्लीट नहीं कर रहा है वी आर ऑलरेडी पूर्णम कोई कमी नहीं है मुझ में जो मुझे पूरी करनी है जिसके कारण मुझे शर्म में रहना है जिसके कारण मुझे कुछ गलत चीजें टॉलरेट करनी है। मैं पूर्णम हूं और वहां से अपनी स्ट्रेंथ आगे बढ़ा के बढ़िए और सबसे अच्छा माध्यम है भगवान के साथ कनेक्ट होना तो ये सब चीजें भी कीजिए ये आ, होना जरूरी है कई लोग एक और मैंने देखा है कई लोग कहते नहीं आई आई जस्ट गो गो रीड रीड भगवत भगवत गीता गीता एंड बी फाइन टेल मी फाइन आपको समझ में आ गया आप अपने आप को तुरंत एलिवेट कर लिए वेरी गुड लेकिन ये जो आपका जो शरीर है जो आपका प्राणमय कोश है मनोमय कोश है इनको भी रिजोल्व करना होता है सिर्फ आनंदमय कोश पे काम करके बात नहीं होती है ये ये चीजों को भी रिजोल्व करना होता है यहाँ पे तो कई लोग सिर्फ यही करते हैं कि जस्ट चैंड हरे कृष्णा एवरीथिंग विल बी ओके यस हरे कृष्णा महामंत्र इज वेरी पावरफुल आपके आनंदमय कोश के लिए आत्मा के लिए आपके ये प्राणमय आनंद ये मनोमय विज्ञानमय कोशों को भी मैनेज बैलेंस करना पड़ता है वहां पे कुछ त्रुटियां है वहां पे कुछ आपके अम क्या कहते हैं अनर्थ है, है जिनपे वर्क करना पड़ता है आह से तो ये हरे कृष्णा चैंटिंग से आप भगवान के साथ कनेक्शन करते हैं और भग व, मंत्र से बहुत शक्ति मिलती है आगे बढ़ने के लिए ताकि आप ये सब जो इनर वर्क है वो कर पाए मंत्र आपको हेल्प करता है तो हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र की एटलीस्ट एक माला करनी चाहिए ये हरे कृष्णा टीवी है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो ये यह आज, आज करते हुए ए, 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 आ, भगवान के साथ कनेक्ट होते हुए हरि नाम करते हुए आ, हम आगे बढ़ सकते हैं स्ट्रॉमा बॉन्ड से निकल सकते हैं और इससे ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन uh, को विराम देती हूँ श्रील प्रभुपात की जाए जिनसे हमने सबने बहुत सब कुछ सीखा है जिनसे ये हरे कृष्णा मूवमेंट है हरे कृष्णा टीवी है और आप और मैं जुड़े हुए हैं सो थैंक यू वेरी मच अब हम लेंगे आपके थोड़ा सा है क्वेश्चन सो प्लीज पुट योर क्वेश्चन यहाँ पे अभी ये पूरी रामायण खत्म हो गई है और सतीश मुद्देलवार जी कह रहे हैं आज क्या होता है Uh, कोई चैट में अगर उन्हें बता सकता है आज क्या होता है तो अभी वेरी नाइस uh, अब हम लेते हैं आपके बहुत सारे प्रश्न uh, मैंने प्रॉमिस किया था अभी uh, थोड़ी देर पहले रील चलाई थी कि यस हम चर्चा करेंगे आपकी सब बातों का हम uh, बात करेंगे अच्छे से तो यस आपके हम लेंगे अब बहुत सारे क्वेश्चंस टेक टीम जी अंजू अग्निहोत्री जी पूछ रही हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं ये ऐसे बिहेव इंटेंशनली करते हैं या इन पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी होती है और क्या ये लोगों को नार्सिसिस्ट कहा जाता है जी ट्रॉमा बॉन्डिंग जो है वो नार्सिसिस्ट के साथ भी हो सकती है सोशियोपैथ के साथ भी हो सकती है साइकोपैथ के साथ भी हो सकती है टेररिस्ट के साथ भी हो सकती है तो ये अलग अलग टेररिस्ट नहीं बट इज नॉट अ डेफिनेशन बट साइकोपैथ सोशियोपैथ नार्सिसिस्ट दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनलिटी डिसऑर्डर्स तो ये किसी के साथ भी हो सकता है और इंटेंशनली uh, करते हैं या पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी आई डोंट नो मेरे को नहीं समझ में आ रहा आपका इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस क्या है बट यस इट इज इंटेंशनल एंड इट इज देयर पर्सनालिटी थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हाउ कैन वन एग्जिट फ्रॉम दिस टॉक्सिसिटी सक्सेसफुली विदाउट फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बिना तो चक्का भी रोड पे नहीं चलता है ना चलने रोड पे गाड़ी को भी आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है तभी आगे गाड़ी बढ़ती है तो फ्रिक्शन तो होगा एंड फ्रिक्शन को फ्रिक्शन मत समझ के उससे डरिए मत फ्रिक्शन को ये देखिए कि अच्छा ये इट इज पार्ट ऑफ माई ग्रोथ ये फ्रिक्शन से मैं अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ आर जे रघुव अफ्तार जी आप ये सोचिए और आगे बढ़िए और टिप्स मैंने शेयर किए हैं हाउ कैन वन एग्जिट फ्रॉम दिस टॉक्सिसिटी सक्सेसफुली विदाउट फ्रिक्शन अवेयरनेस है अ लोन इज हार्ड यू हैव टू गेट हेल्प एच इज यू नो द हील एंड ग्रो विद द हेल्प एंड एस इज स्पिरिचुअलिटी तो इसमें आपकी जो बहुत सारी जो वलनरेबिलिटीज हैं उनमें से कुछ का मैंने आपको दर्शन दिया है उन सब पे काम करना पड़ता है एक एक जो आपके मन में जो भी वीकनेसेस हैं उन पे काम करना पड़ता है उनको स्ट्रेंथन उनको चेंज करना पड़ता है एडिट करना पड़ता है और वो बहुत लेवल्स पे काम होता है फिजिकल बॉडी के लेवल पे भी होता है एनर्जेटिक बॉडी मेंटल बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी हर लेवल पे इसको रिलीज करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है न्यू वे ऑफ बीइंग को लाना बिकॉज ये आप शायद ये जन्म से ही नहीं आप कई समय से आप वैसी वे ऑफ माइंड में हो जिसे चेंज करना पड़ता है और uh, दूसरा है कि इट्स अ कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड कांस्टेंट ग्रोथ आप कुछ लेयर्स पील करेंगे फिर आपको वापस दिखेगा फिर आप आगे और पेशेंट तो ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है और निकलना पड़ता है लेकिन इसे आप दुख से मत देखिए इसे आप ये मत देखिए फ्रिक्शन हो रहा है फ्रिक्शन तो होने वाला है आपके अंदर भी होने वाला है बाहर उनके साथ भी होगा आपका आप, क्योंकि वेन दे सी देर लूजिंग कंट्रोल वो और ज्यादा पागल हो जाते हैं तो ये इसलिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं ऑन वेरियस थिंग्स यू कैन गो टू माय चैनल फुल प्लेलिस्ट ऑन हैंडल टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप्स उसमें कई सारी टिप्स शेयर की गई हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं uh, मेरे चैनल का लिंक शायद uh, यहाँ डिस्क्रिप्शन uh, में लिंक में है यस थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज प्रियंका भल्ला जी हरे कृष्णा नमिता जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगेन रियली मिसिंग यू थैंक यू प्रियंका जी फॉर सच अम वेलकम आई वाज मिसिंग ऑल ऑफ यू टू लेकिन क्या है मुझे भी मेरे आटे दाल चावल का ध्यान रखना पड़ता है तो मैं एवरी वीक इसलिए नहीं आ पाई और मुझे ब्रेक लेना पड़ा सो दैट मैं अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ा पाऊँ बिकॉज ये एवरी वेंसडे का शो uh, मेरे लिए इज अ टू डे अफेयर मेरे सेवन डेज में से टू डेज फिर इसको डेडिकेट हो जाते हैं तो मेरे बाकी काम बहुत सारे सफर होते हैं कई सारे जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स थे कई सारी जो चीजें थी मुझे जो मेरे काम में करनी थी दे वर ऑल ब्लॉक्ड और uh, मैं वहां धक्का नहीं दूंगी तो चलता नहीं है तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया तो अभी भी हम कोशिश करेंगे मे बी एवरी ऑल्टरनेट वीक आने की सो so दैट मेरा काम सफर नहीं होना चाहिए बिकॉज माई वर्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट स्पॉन्सर्स ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज यस थैंक यू थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज Please help with ADHD system symptoms. So ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. Gets spaced out while listening to others. Feels people don't connect with me in difficulty in understanding concept easily, and after trying hard, still not good at anything. I am uh, may ADHD expert. Nahi hu तो मैं आपको उसमें हेल्प नहीं कर सकती हूँ लेकिन हल्का सा जितना पता है वो बता सकती हूँ गेट हेल्प प्रोफेशनल हेल्प लीजिए ये सब आप कई लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को या अपने ट्रॉमा को वगैरह अपने आप हील करने की कोशिश करते हैं या कई चीज़ों में ग्रो करना है वो नहीं होता है बहुत लंबा समय लगता है आप कोई अच्छे जगह पे जहाँ पे आर प्रूवन इस चीज़ में आपको हेल्प करने के लिए आप वहाँ जाइए और वहाँ मदद लीजिए और वो प्रोसेस को स्टिक कीजिए कई बार क्या होता है हम शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं कि ऐसे ही जादू से नहीं जाता है तो कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन जो इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है वहाँ जाइए प्रॉपरली इट आ, अभी ये ए में आपने दिखा है फील्स पीपल कनेक्ट डोंट कनेक्ट विथ मी लिस्निंग टू अदर्स आई डोंट थिंक ऑल ऑफ दी बट इट्स फील्स पीपल डोंट कनेक्ट विथ मी एक्सेट्रा इट ऑल्सो लो कॉन्फिडेंस नो बडी कनेक्ट विद मी ऑल्सो राइट ऐसा हमको लगता है कि सब सबके साथ कनेक्ट होते बस हमारे साथ नहीं होते बहुत कम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते तो वो एक पार्ट ऑफ मेच्योरिटी एंड पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप भी है एंड रिगार्डिंग फोकस प्रिंसिपल आप अगर प्रसादम की डाइट लेंगे और आप सही टाइम पे खाएंगे सही टाइम पे हमारी एक क्लाइंट थी जो बहुत एंक्शियस एंगजाइटी में थी आ, वो अपने आप को रिकवर करने आई थी कुछ एक ड्रोमैटिक रिलेशनशिप से नॉर्थ अमेरिका में रहती थी तो हम उसको टिप्स दें लेकिन सबसे पहले हमारे जो टीम में कोच है उन्होंने उनसे कहा कि आप सही टाइम पर खाना खाते हो या नहीं सीधे नहीं मैं दो तीन दिन से तो मैं तो सिर्फ सीरियल ही खा रही हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस इज ईटिंग ऑन टाइम बिकॉज तो अब आप सही टाइम पे खाते हो आपका माइंड और बॉडी रेगुलेटेड रहता है आपकी वायु रेगुलेटेड रहती है तो आप फोकस कर पाते हो Second is a lot of pranayam that need help, uh, that disturb your mind, that take away your focus. Those need to be worked too. So, everything is not ADHD only. Some of this is also your inner world. So, wish you all the best in getting help for yourself. Thank you. Next question, please. I don't know. Sorry, Bhakti Ji, I don't know anyone. Wherever you are, आप जिस सिटी में रहते हैं आप वहां जाइए लोकली किसी को अप्रोच कीजिए विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सी दिस इज अबाउट एजेंसी राइट दिस इज अबाउट आई डोंट नो कैन यू गेट हेल्प फॉर मी वाई डोंट यू नो यू आर एन इंडिविजुअल यू कैन फाइंड आउट राइट तो ये बिलीव करना शुरू कीजिए रिसर्च कीजिए ऐसे ही अपने आप तो किसी को भी नहीं मिलता है ना एजेंसी जो मैंने हाई एजेंसी पीपल कहा था जो एग्जाम्पल दिया था सबसे इट्स लाइक यस अच्छा ये मुझे एक अच्छा टिप मिला है अभी ये शो से अच्छा एक्सपर्ट ढूंढना ठीक है लेट मी फाइंड आउट राइट आई थिंक आई कैन फाइंड आउट ये तो हम कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि आप करें अनलेस आप एजेंसी हाई एजेंसी पर्सन नहीं होंगे आप आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो ये एक बेसिक है सबके लिए मैं आपके लिए एजेंसी नहीं बन सकती हूँ ये शो पे किसी के लिए भी नहीं बन सकती अनलेस यू टेक चार्ज एंड यू ट्राई टू डू समथिंग देन आई कैन हेल्प देन लॉट ऑफ पीपल कैन हेल्प यू यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज श्रीशा शाह बस्त कोटी जी हाउ कैन समवन कोई जो बाहर वाले लोग हैं कोई अगर उनको दिख रहा है कि कोई ट्रॉमा बॉन्ड में कोई विक्टिम है तो उसे कैसे हेल्प किया जा सकता है उसे जो ट्रॉमा बॉन्ड के जो विक्टिम हैं वो प्यार के एडिक्शन में है वो उन्हें दिख रहा है कि यहाँ बहुत प्यार हो रहा है मिल रहा है वगैरह दे आर थिंकिंग लाइक दैट प्लस उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो जो वेलविशर्स well होते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं राइट फ्रॉम पुलिस टू द लॉ टू फैमिली एवरी वो उनको पुश आउट करते हैं तो इसमें मैं दो चीज़ें फॉलो करती हूँ एक ये है कि मैं नहीं सोचती हूँ कि कोई भी हेल्पलेस है एवरी वन इज़ केपेबल ऑफ फाइंडिंग हेल्प फॉर दम सेल्व राइट अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अटका हुआ है आ, ऐसा नहीं है मुझे दया नहीं है उनके लिए बट अगर वो उससे निकलना नहीं चाहता है तो मेरा ये मानना है कि उसको वही सिचुएशन में रह के कुछ मिल रहा है इसलिए वो वो सिचुएशन में रहना चाह रहा है और वो जो उसको उस सिचुएशन में मिल रहा है चाहे विक्टम हुड है चाहे सिंपती uh, uh, है चाहे अटेंशन है जो भी मिल रहा है उसको या जो एड्रेन हाई है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो uh, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ सेकेंड थिंग इज इन सच सिचुएशन आर ऑल अडल्ट कोई बच्चे नहीं होते हैं यहाँ अज्यूमिंग आप किसी अडल्ट की हेल्प कर रहे हो तो वो अडल्ट है वो डिसीजन ले सकते हैं टू गेट हेल्प एंड टू आस्क यू फॉर हेल्प बट हाँ आप एक उनके लिए एक कंसिस्टेंट नॉन जजमेंटल अनकंडीशनली लविंग पर्सन रह सकते हो ताकि वो एक्सपीरियंस करे कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है जस्ट बाय योर अनकंडीशनल लव एंड प्रेजेंस वो धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट देख पाएंगे और जब वो रेडी होंगे हेल्प लेने के लिए वो आपके पास आएंगे यस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू श्रीशा जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हाउ कैन आई हैंडल माई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्रॉमा अगेन आज राइट सो पहले अवेयरनेस तो शायद आपको ये अवेयरनेस आ गई है कि ये ट्रॉमा है अवेयरनेस का मतलब यही नहीं है कि अवेयरनेस ऑफ द ट्रोमा अवेयरनेस ऑफ आपकी क्या वीकनेसेस थी आपकी क्या वालेबिलिटीज थी उनको कैसे हील करना है और उनके ऊपर कैसे वर्क करना है प्लस जो सारे इंसिडेंट्स हुए हैं अलग अलग चीजों से आपकी पर्सनैलिटी को ब्रेकडाउन किया गया है आपका कॉन्फिडेंस ब्रेकडाउन किया है वो सब रिकवर करना होता है और फिर गेट हेल्प अलोन इज हार्ड नेक्स्ट इज दैट एच इज हील एंड ग्रो एंड देन एस इज स्पिरिचुअलिटी तो ये सब ये कोई uh, uh, मैं बहुत वीडियोस बनाती हूँ ये चीजों पे ताकि आप लोग को कुछ uh, सहानुभूति मिले थोड़ी होप मिले लेकिन ये मेरा मानना है कि ये वीडियो देख देख के कोई ठीक नहीं होता है ट हेल्प फ्रॉम द राइट प्लेस अकेले आप अगर जाल में फंसे वो आपको कोई बाहर चाहिए जो आपको जाल से निकाल पाए तो उसमें आप तब आप निकल सकते हो यस सो ये जो मैंने टिप्स शेयर करी है आज की वीडियो में आप वो फॉलो कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू गो डाउन द वीडियो राउट मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज मैंने किए हैं हरे कृष्णा टीवी पे किए हैं मेरे चैनल पर एक बाकायदा प्ले लिस्ट है रिलेशनशिप ड्रामा रिलेटेड आप वो सुन सकते हैं लेकिन अपने आप कर करके देखिए आपके पास कितनी कैपेसिटी और कितना समय है मेरे जैसा इंसान ना टाइम वेस्ट करे अपना मैं क्योंकि मेरे को जीवन में बहुत कुछ करना है मेरे गोल्स बहुत सारे हैं तो मैं उन पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहती हूँ तो एनी वे आई शेड टिप्स विद यू अर्जुन सिंह जी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मनी मंडला ऐसा क्यों है कि हम कभी कभी चाहते हुए भी ट्रॉमा रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते यस गुड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आज वो ट्रॉमा एक एडिक्शन हो जाता है आपको हम जानते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है फिर भी हम बने रहते हैं रिलेशनशिप में मनी मंडल जी जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है आपका एंड सॉरी इफ यू आर इन दैट सिचुएशन अकेलापन का डर मेरा क्या होगा उसका डर अगर ये नहीं तो छूट गया तो अरे दूसरा कहाँ से मिलेगा उसका डर डिपेंडेंसी हो गई है आपको उनके ऊपर आप अपनी एजेंसी खो बैठे हो आप आप भूल गए हो कि आप अपने आप सक्षम हो स्ट्रांग हो कम्प्लीट हो uh, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो चुका है आप, आपकी स्किल्स नहीं है आपके पास में और एक एडिक्शन जैसा हो गया है वो जो ट्रॉमा बॉन्ड की जो साइकिल सेवन स्टेप्स मैंने डिस्कस किया है उसके कारण एक एडिक्ट जैसे आपका बिहेवियर हो गया है उसको फिर आपको ब्रेक फ्री करना है जो हमने टिप्स शेयर किया है यहाँ पे उससे यस मनी मंडल जी थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज किरण तनेजा जी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करे ऐसे लोगों के साथ या छोड़ देना ही सल्यूशन है अब मैं ये सब आई डोंट आंसर दिस टाइप ऑफ डिसीजन बिकॉज ये आपके डिसीजन होते हैं सबकी इंडिविजुअल सिचुएशन होती है नीड्स फीलिंग्स लाइक्स डिजायर्स यू नो सो मेनी थिंग्स आर देयर सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व तो ये सब चीज uh, हर इंडिविजुअल को अपने आप के लिए आंसर करनी है मेरा ये मत है कि इनके साथ रहना या नहीं रहना वो बड़ा प्रश्न नहीं है सबसे बड़ा प्रश्न है कि अपने आप को वापस स्ट्रांग बनाना अपनी वीकनेसेस को हील करना अपनी जो इतनी पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज है जो इतना सब अब्यूज हुआ है उसको हील करना अपनी वीकनेसेस से निकलना और अपने आप को एक सक्षम स्ट्रांग सेल्फ लविंग सेल्फ पार्टनर्ड इंसान बनाना क्योंकि कई लोग रिलेशनशिप छोड़ देते हैं आ, लेकिन वो लोग ने एक एस्ट्रल बॉडी बनाई रहती है एक पार्टनर की उनकी खुद की यू नो वालेबिलिटीज के कारण तो वापस वही वही लोग आते हैं आपकी लाइफ में बिकॉज आपने अपनी uh, आपने अपने आप को सक्षम नहीं बनाया आपने अपने आप को सेल्फ लविंग सेल्फ पार्टनर हील्ड एंड होल्ड नहीं किया है सो इन माई हम्बल ओपिनियन सबसे पहला काम खुद को स्ट्रांग बनाना है खुद को हील करना है उसके बाद में अनदर थिंग दैट हैपेंस इज सब वीक थिंगट है ऐसे ऐसी सिचुएशंस में रह के फिर उस वीक माइंडसेट में वो डिसीजंस लेते हैं वो जो उनको हेल्प नहीं करते हैं आगे इसलिए पहले अपने आप को हील करें, अपने आप को सक्षम बनाए सेल्फ लविंग बनाए स्ट्रॉन्ग बनाए आह जो ए एच एस जो हमने शेयर किया वो फॉलो कीजिए और फिर सोचिए क्या करना है यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रानी साहू मैम मुझे आपकी क्लास करनी है प्लीज बताइए कैसे ज्वाइन हो थैंक यू uh, हमारी एक सेल्फ मास्टरी एकेडमी है uh, उसका पता नहीं मुझे लिंक है कि नहीं है नीचे दैट्स अ मेंबरशिप जिसमें आप को वीकली एक्सरसाइजेस मिलती हैं जो जिन पे आप काम करते हैं और आप फिफ्टी टू वीक्स की आपको एक्सरसाइजेस मिलती हैं और उन पे आप काम करते हैं और उसमें आप आगे बढ़ते हैं तो वो सिक्स एरियाज ऑफ लाइफ को आप एकदम स्ट्रेंथन करते हैं जो कि है आपका सेल्फ कनेक्शन विथ योर सेल्फ जो मैं नीड्स फीलिंग सेल्फ ऑनरिंग सेल्फ पार्टनरिंग ये सब की बातें हैं फिर आपका करियर या आपका जो काम है या जो अगर आप होम मेकर है जो भी आपका लाइफ का काम है वो उसमें कैसे ठीक हुए आगे बढ़े कैसे अपने विचारधारा को चेंज करें फिर अपनी वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में है फिर रिलेशनशिप्स के बारे में है आपकी हेल्थ और वेलनेस के बारे में और आपकी स्पिरिचुअलिटी ओवर 52 वीक्स आप इन चीजों पे काम करते हो वो हमारा सबसे बजट प्रोग्राम वही है आई थिंक इट्स आई आई डोंट थिंक इट्स फॉर मंथ्स एवरी क्वार्टर इट इज दैट इज आर बेस बेर मिनिमम प्रोग्राम प्लस आपको एक कम्युनिटी भी मिलती है साथ में एज अर कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट पे और जो मैं और जो कोचेज हैं हम उस पे आंसर देते हैं तो आप ये सबसे बिगनिंग प्रोग्राम है आगे आप देखिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं नमिता नेक्स्ट थैंक प्लीज इज इट ट्रू ड्यू टू आर कर्मा दैट वी एंटेंगल इन कॉर्मा बॉन्ड प्लीज शशि सिंह जी मैंने एक शो किया था कुछ दो ढाई डेढ़ साल पहले हाउ टू कम आउट ऑफ योर रिलेशनशिप क्लियर योर रिलेशनशिप कर्माच फॉर दैट ऑन यूट्यूब एंड वॉच इट अभी क्या होता है कि कई बार शशि सिंह जी ऐसा नहीं कह रही हैं वो निकलना चाहती हैं जो उनका कंटिन्यूएशन uh, क्वेश्चन है uh, निकलना चाहती है तो मेरा मत है कि हम निकल सकते हैं ये सब सिर्फ कर्मों के आधार पर नहीं है हमें हमारे कर्म भगवान ये नहीं इसलिए नहीं देता है कि ताकि उन्हें मजा आ रहा है हमको सफर करते हुए दिख के भगवान हमें हमारे कर्म देता है ताकि हम लेसन सीखें यस yes. हमारे लेसन हमारी vulnerabilities पे वर्क करें और अध्यात्म की तरफ जाएं लोग क्या करते हैं सिर्फ अध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं ये सब पे वर्क नहीं करते तो इट वर्क ना आप अध्यात्म में आगे बढ़ते कई लोग सिर्फ वर्नरेबिलिटीज पे वर्क करते अध्यात्म में नहीं जाते इट वर्क ये दोनों करना है आगे बढ़ना है uh, मेरा मत ये है कि यस बाय योर डिसीजन बाय लर्निंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप निकल सकते हैं उस सिचुएशन से उस चीज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फिर वर्क करता है जब आपकी एनर्जी सॉर्टेड होती है आपकी विचारधारा सॉर्टेड होती है ये सिर्फ एफर्मेशन एफर्मेशन से नहीं होता है विचारधारा में एडिटिंग की दरकार है तब आप ये सब रिश्तों से आ, उनमें रहकर भी आप वो वाले उनकी टेंडेंसीज अट्रैक्ट नहीं करते हैं यस दैट इज पॉसिबल शशि जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हमें कब मालूम पड़ेगा कि वी आर डन विद द टॉक्सिक रिलेशनशिप रंजीत जी अगर आपको अभी भी मालूम नहीं पड़ा है तो शायद अभी तक आपको मालूम नहीं पड़ा है वो आपको अंदर से समझ में आएगा कि यू विल फील टायर्ड यू विल बी वेरी वेरी टायर्ड ऑफ गिविंग एवरीथिंग विथ योर सिंसियरिटी विथ योर लव विथ योर अफेक्शन विथ योर कंसर्न बेनिफिट ऑफ डाउट वगैरह दे दे के दे के, दे के दे देख के आप एक पॉइंट पे आएंगे कि आप थक जाएंगे और आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्कोप ऑफ एनी चेंज तब एक डिटैचमेंट आएगा आपको लेकिन फिर भी आप बहुत थके हारे होंगे वनरेबिलिटीज रहेंगी बहुत सारा हैवी ट्रामा बॉडी में स्टोर रहेगा वो सब की हीलिंग की जरूरत है यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सनातन संस्कृति जी हरे कृष्णा मैम मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ हार्म करती हूँ इससे कैसे कम करूं आप किस वे में सेल्फ हार्म करते हैं क्यों करते हैं वगैरह आप ऐसा कीजिए आप भगवान के सामने जाइए भगवान के सामने भगवान की नजरों को कैसे भगवान में कितनी मर्सी है कितनी दया है उनकी जो दृष्टि है जो आप पे पड़ रही है और समझिए कि भगवान ने आपको एक पर्टिकुलर कारण के लिए इस जीवन में भेजा है तो आप भगवान के उस कार्य में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यू हैव इमेंस वैल्यू सनातन संस्कृति जी मुझे सेल्फ हार्म के बारे में ज्यादा नहीं पता है समटाइम्स इट इज आप ऑलरेडी बहुत सारे पेन में होते हैं तो वो पेन को डल करने के लिए लोग सेल्फ हार्म करते हैं कई बार आप बहुत अकेला फील कर रहे होते हैं तो सेल्फ हार्म करके एक आपको लगता है कि कोई तो आएगा मेरे पास आई डोंट नो वॉट योर थिंग इज मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ uh, uh, तो ये कई चीजें हैं लेकिन uh, सौ बात की एक बात आप एक चीज से तो स्टार्ट कर सकते हैं आज अभी के अभी भगवान के सामने जाइए उनके चरणों को आ, आ, के दर्शन कीजिए उनके पूरे आ, जो उनकी जो वपू है उसका दर्शन कीजिए उनके जो स्माइलिंग फेस है उसका दर्शन कीजिए उनकी जो आपके प्रति दृष्टि है उसका दर्शन कीजिए और अपने आप को ये बोलिए मेरे साथ बोलिए अभी सनातन संस्कृति जी कि भगवान मुझसे असीम प्रेम करते हैं और मेरी बहुत वैल्यू है भगवान की नज़रों में और मुझे अपने आप को हार्म करके हर्ट करके मेरी मैं भगवान को हर्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं भगवान का अंश हूँ मुझे मेरे जीवन में क्या योगदान देना है क्या कार्य कर सकती हूँ मैं भगवान के साथ में मैं अब उस पर फोकस करूंगी अपने स्किल्स को बढ़ाऊंगी अपनी लाइफ को अच्छा करूंगी अपने सब चीज़ों को हील करूंगी अपने मन में त्रुटियों को निकालूंगी अनर्थों के ऊपर वर्क करूंगी विद हेल्प और आगे बढ़ूंगी तो ऐसा एक कमिटमेंट कीजिए और बाकी गेट हेल्प फॉर योरसेल्फ, सेल्फ एंड सम्स सेल्फ हार ऑल्सो सेल्फ साबोटाच जब हम हमारे अच्छा होता होता टॉपर होते होते हम एग्जाम में जान के फेल होके आते हैं या कहीं अच्छी चीज हो रही होती है हम उसको अवॉइड करके गलत वाला डिसीजन जान बुझ के लेते हैं बिकॉज हमें ये भी डर होता है कि अगर हम पूरा शाइन करने लगेंगे तो दूसरों को कैसा लगेगा ताकि हम दूसरों की नजरों में ना आए इसलिए भी अपने आपको साबोटाच करते तो आप क्या करते मुझे नहीं पता है बट जनरल टिप्स और गेट हेल्प फॉर योर सेल्फ सनातन जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रविंद्र भिंगर डिवे जी कि कोई अगर अल्कोहलिक है और नार्सिसिस्टिक है तो उनके साथ कैसे डील किया जाए नार्सिसिस्ट को हेल्प करना नामुमकिन है क्योंकि बाय डेफिनेशन उनकी जो पर्सनालिटी है अनलेस भगवान की कुछ असीम अनुकंपा है और वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नार्सिसिस्ट नहीं है बाई uh, डेफिनेशन वो अपने आप को प्रेम नहीं कर सकते हैं their, uh, वो accept ही नहीं कर पाते दे गेट हेल्प सो बिकॉज अगर वो एक्सेप्ट करेंगे इतना सेल्फ हेटरेट रहता है उनको तो अगर वो अपने डिफेक्ट्स को देखेंगे तो उनको बहुत भयंकर सेल्फ हेटरेट हो जाएगा तो इसलिए वो देखते ही नहीं है वहाँ पे और एल्कोहलिज्म है आई डोंट नो हाउ टू हेल्प देम काफी लोग हमें लिखते हैं मेरा हस्बैंड नर्सिसिस्ट है वाइफ नर्सिस है आप उनको क्योर कर दो उनको ठीक कर दो मुझे लगता है कि ये लोग अभी अभी इनको पता चला है हम उनमें नहीं इन्वेस्ट करते हमारा समय वी कैन हेल्प दोज हु आर इन दोज रिलेशनशिप्स टू बिकम हील्ड एंड होल हील स्ट्रग सो आई डोंट नो रविंद्र बिंगर डेवे जी हाउ टू हेल्प देम बट या देर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन फॉलो इज डोंट स्ट्रोक देयर ईगो डोंट बिलीव दे से टू यू अबाउट ई बिस राइट right? और ये कई टिप्स मैंने शेयर करी हैं उनको इग्नोर कीजिए वो जो बातें बोलते हैं मैनिपुलेट करते हैं गैस लाइटिंग करते हैं अपने सेल्फ को स्ट्रॉन्ग कीजिए सेल्फ लविंग कीजिए और सोर्स के साथ कनेक्ट कीजिए भगवान के साथ में तो उससे आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप उनको डील करने के लिए आप ये ईबिस फॉलो कीजिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और सक्षम कीजिए और रही बात जो आपको हृदय में दुख होता है उनको देख के कि वो कैसे अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं अल्कोहलिक बन गई ये करके वो करके एम्पथाइज विथ योर पेन फील योर पेन एंड मूव अहेड उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो उनको भगवान सद्बुद्धि दे विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हाउ टू हैंडल इमोशनल डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन विद पीपल शीशा जी uh, ये पूरा शो uh, इसी के ऊपर किया है uh, तो आई थिंक यू हैव टू वॉच द शो So, uh, the first 40 minutes, he, full everything has been explained. And uh, please uh, watch the show. Yeah, Thank you. Ne so, that I will repeat the whole I will take some Yes, thank you so much. Next question, please. I wish you all the best. Pragati Yadavji, how can we remove those abusive astral bodies from our life that comes? Ah... आई थिंक आप रेफर कर रहे हैं मेरा एक आंसर जो मैंने अभी अभी दिया है क्वेश्चन में मैं नहीं कह रही थी कि कोई एस्ट्रल बॉडी आ रही है और आपको उसको फाइट करना है कि कोई भूत आ रहा है एंड यू हैव टू टू फाइट देम आई वाज नॉट रेफरिंग दैट आपकी जैसी साइकोलॉजी रहती है उससे आप एक पर्टिकुलर एनर्जी बॉडी क्रिएट करते हो ऑफ हाउ योर पार्टनर विल बी तो इवन इफ आप एक रिलेशनशिप से निकल जाते हो जो अब्यूसिव है क्योंकि आपने आपकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं लाया है

जैसे आप किसी के ऊपर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जितना ज्यादा मेडिटेट करते हो कोई चीज पे आप वो चीज को क्रिएट करते हो मैनिफेस्ट करते हो राइट right? तो वो अभी ये लोग बहुत शैलो लेवल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं कि अच्छा मैं ये अलग वे में सोचने लगूंगी और ना नहीं आपको इनर लेवल पे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अपने इनसाइड थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा अपने आप के प्रति आपकी क्या दृष्टि है आप कितने सेल्फ लविंग नहीं हो या कितना सेल्फ एस्टीम नहीं है या कितना वीक वीक फील करते हो वो सब चीजों में स्ट्रेंथ डेवलप करके एक्टिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल करोगे तब जाके हु यू अट्रैक्ट दैट एस्ट्रल बॉडी दैट यू हैव क्रिएटेड ऑफ अ पार्टनर विल चेंज आई गिव यू एन एग्जांपल एक कोई थे वो एक पर्टिकुलर जॉब में थे जिसमें एक बहुत ही हाईली बहुत हाई टास्क मास्टर था उनका मैनेजर और उन्होंने बहुत सालों बाद फिर ये जो थे जिस जॉब में फिर बाद में उन्होंने ना वो सोचा कि ये जॉब मुझसे नहीं हो रहा है मैं दूसरा जॉब लेता हूं एंड प्लस ही यूज लुकिंग टू गेट मैरिड ही डिड नॉट वर्क ऑन हिमसेल्फ ही गॉट अ वाइफ एग्जैक्टली लाइक दैट मैनेजर राइट सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ येस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आयल रॉय इफ आई स्टिल लव दैट पर्सन बट आई एम अफ्रेड टू गो टू दैट पर्सन आफ्टर रिमेंबरिंग द पास्ट बिहेवियर्स वॉट टू डू इन दैट केस एंड मूव ऑन विदाउट फीलिंग अटैच फॉर दिस पर्सन आई एल रॉय सेम आंसर टू ए एच एस ए इज अवेयरनेस जो कि आप में आ गई है नेक्स्ट इज ए अलोन इज हार्ड गेट हेल्प अकेले का आप बस का बात नहीं है ये नेक्स्ट इज एच इज हील एंड ग्रो एंड एस इज स्पिरिचुअलिटी तो आपको जो रिमेम्बरिंग पास बिहेवियर्स वगैरह है यू लव द पर्सन इज आई डोंट नो यू हैव टू इवेल्यूएट की वो एडिक्शन है या प्यार है आज का जो पूरा शो हमने किया है आप सुनिए जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था पूरा उस पे आप बेसिस पे डिसाइड कीजिए और ये हाउ टू मूव ऑन विदाउट फीलिंग फॉर दैट पर्सन वो नहीं होने वाला है ना आपकी जो वेबिलिटीज है उसके कारण आपको अभी भी वो इंसान ठीक ही लग रहा है कहीं ना कहीं से आपको एक लोनलीनेस फील हो रही है रिलेशनशिप में तो आपको आ, आ, लग रहा है कि मे बी दैट इज अर इजी पर्सन टू गो बैक टू यस खुद के साथ रहना खुद के साथ समय बिताना खुद की फीलिंग्स को सहलाना Uh, अपना साथ देना ये सब बहुत मुश्किल चीजें होती है और जो अकेले रहना सीख गया है वो बंदा बहुत सॉलिड है है ना उसको किसी की जरूरत नहीं है फिर वो कोई डिपेंडेंसी में नहीं जाता है फिर वो सपोर्ट करता है सर्व करता है दूसरों को और दूसरों से भी अपना हेल्प uh, लेके अपने आप को एनहैंस करता है बट वो नीडी नहीं रहता है तो अपनी चीजों पर वर्क कीजिए आप इट इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन दर इज वन थिंग इज लेट मी टेल एवरीबडी हियर राइट अकॉर्डिंग टू द शास्त्र No राइट right? अभी जैसे हम बैंक में जाएंगे कोई बैंक वाला कोई लड़का है वहां पर जो बहुत अच्छा हेल्प करता है तो हमको वह लड़का बहुत अच्छा लगेगा बहुत प्रेम आएगा उससे अच्छा लड़का है राइट right? कोई बिल्डिंग uh, में आपके यू you नो know, जो भी आप ऑफिस में है कोई लोग कोई कोलिग्स है जो आपको बहुत अच्छे से ऑपरेट uh, you know, करते करते वो करते यू लाइक दोज पीपल

हमारी जहाँ नीड्स पूरी होती है हमको वहाँ पे एक अटैचमेंट हो जाता है तो आप इवेल्युएट कीजिए कि आप उस पर्सन को मिस कर रहे हैं या आप वो मिस कर रहे हैं कि आपकी नीड्स जो थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है इट इज मोस्टली इट शुड बी नीड्स तो वो नीड्स का कैसे ध्यान रखना है पहले खुद को कैसे अपनी नीड्स का ध्यान रखना और आगे बढ़ना है एंड अगेन आज बार बार कह रही रू अवेयरनेस अलोन इज हार्ट गेट हेल्प एच इज हील एंड ग्रो एंड एस इज स्पिरिचुअलिटी यस नेक्स्ट क्वेश्चन

हम सब एनर्जेटिकली सेंसिटिव होते हैं बस हमें उसकी भाषा लैंग्वेज नहीं आती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो हमको वो नेगेटिव वाइब आती है तो हम वो फील करते हैं बिकॉज अगर हमारे ही बहुत सारे नेगेटिव थाट्स हैं तो हम एक नेगेटिव एनर्जी की वाइब देते हैं लोअर फ्रीकुंसी वाइब्स और हमारे बहुत पॉजिटिव थाट्स हैं तो हम एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की वाइब देते हैं जैसे हम साधु महात्माओं के साथ में कितना एलिवेटेड फील करते हैं बिकॉज उनकी एक बहुत एलिवेटेड वाइब्रेशन बाहर आती है वो वेव्स हमको टच करती है एंड वी कैन फील इट कई बार ये होता है कई बार हमारे भी खुद के माइंड सेट इशूज होते हैं जैसे किसी की कोई अगर लेडी थी जिसके साधना कट यू नो सामने ऐसे कटे हुए बाल थे ऐसे वाले एंड उनके साथ में हमारा कोई पंद्रह बीस साल पहले कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ था तो नेक्स्ट टाइम हम कोई और लेडी को देखेंगे जिनके बाल ऐसे सामने है, साधना कट जैसे तो हमको अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी बिकॉज ऑफ आर पास्ट एक्सपीरियंस जो हम अभी आ, Projection कर रहा है तो ऐसा भी होता है कई बार हमारे माइंडसेट के बारे में कई बार हम अपने आप को कोई particular behaviors में restrict करके बैठे हैं और दूसरा वो वो सब restriction पालता ही नहीं है है एक के जैसे रहता है। तो हमें फिर उससे भी एक गलत आती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेज क्योंकि Uh, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ बैठकर बातें करके चर्चा करके विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग लेट आए थे शो पे नेक्स्ट टाइम टाइम पे आना और पूरा क्वेश्चन आंसर के पहले का जो पार्ट है जो मैंने यहाँ पे स्लाइड शेयर करी हैं और डिटेल में सब समझाया कि ट्रामा बॉन्ड क्या होता है मूवीज़ का एग्जाम्पल दिया है और कैसे फंसते हैं क्यों फंसते हैं क्या वलरेबिलिटीज होती है उनसे कैसे निकलना है और आगे बढ़ना है तो ये सब मैंने शेयर किया फिर हमने स्क्रिप्चर्स के भी कुछ एग्जाम्पल किए थे कि देर वॉज एवरी चांस एवरी ऑपरचुनिटी फॉर अ ड्रामा बॉन्ड बट ये जो कैरेक्टर्स थे इन्होंने नहीं डेवलप किया क्यों <coughs> इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्या डिफरेंट था इनमें और आ, और आपके बहुत सारे प्रश्न को उत्तर देने की चेष्टा करी मैंने सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और फिर मिलेंगे अगले से अगले वेंसडे थैंक यू वेरी मच और अगर शो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में डालिए और शो का लिंक बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको भी मदद मिले और इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए हरे कृष्णा टीवी को और शेयर कीजिए और मेरे चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप यूट्यूब पे वहाँ पर भी जा सकते हैं और एक आ, आ, हील स्ट्रॉन्ग की एक वर्कबुक भी है वर्कशीट भी है फ्री डाउनलोडेबल उसका भी लिंक डाला है मैंने डिस्क्रिप्शन में तो जिससे आप एक थ्री स्टेप प्रोसेस खुद का फॉलो कर सकते हैं Wish you all the very best and thank you very, very much. Hare Krishna.